గురవే గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తాయ తద్భక్తాయ నమో నమః వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృషభాయ సుతేవి ప్రణమాపరాధలక్ష్మాదితరంగమై కృపామయ శరణం ప్రవర్ణ వృందనమస్తే చరణారవిందం హే శ్రీ సనాతన ప్రభు కరుణాంబరాసి హే రూప దుర్గత జనేకయావలోకై హే భట్ట యుగ్మ సుమతి రఘునాథ దాస శ్రీదేవం కురుత నందమతి దయాన్వరా అపార సంసార సముద్ర సేతు భజామహే భాగవతం నారాయణం నమస్కృతరచైవోత్తమ దేవీ సరస్వతి వ్యాసం తోజయముదయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభవినంద హరి గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణ విష్ణు పాద అష్టోదర శ్రీ 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 మాధు భక్తి శ్రీ రూప సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్ చరణ కమలని అనంత కోటి సాష్టాంగ కర్తాం తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రభుష్ణ విష్ణు పాద అష్టోదర శ్రీ 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 మాధు భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్జీకి చరణ సరజ మీద శ్రద్ధ పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తాం. ఉపస్థిత వైష్ణవ వైష్ణవి మాతా పితా భాయి బహిని సభీకు మే యథాయోగ్య ప్రణామ కర్తాం. గత కల హమ్ లోగ్ శ్రవణ కర్ రహే థే కృష్ణ మథురా మే కంస కే కారాగార మే ప్రభు ప్రకట హుయే. కృష్ణ గీతా మే కహతే హే అర్జున్ అజపి శరణ అభయాత్మా భూతనాపి ఈశ్వర ప్రకృతి సమధిష్టాయ
सभवामी आत्ममाय। हे अर्जुन, मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता। बोले क्यों जन्म लेते हैं? बोले जीवों को ऊपर में कृपा करने के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने इसके पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताई, भगवान अजन्मा होते हुए भी क्यों जन्म लेते हैं। आज आपको मैं 10 कारण बताऊंगा और कल आपसे सबसे सुनूंगा। 10 कारण दिया है, ठीक है? अभी मन लगा कर सुनो, मैं देखूंगा कल कौन बोल पाता है। इसका पहला कारण है, बोले जता जता ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम्, अद्भुतार्थम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका पहला कारण ही बोले हे अर्जुन, इसलिए मैं इस जगत में जन्म लेता हूँ, जता जता ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब जब इस जगत में धर्म की हानि होने लगता है और जगत में अधर्म बढ़ने लग जाता है, संत ब्राह्मण स्त्री पृथ्वी गैया के ऊपर में अत्याचार होने लग जाए, मैं उसी उसी समय जन्म लेकर के धर्म को स्थापन करता हूँ और दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। ये एक कारण है। बोले इसका दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए जन्म लेता हूँ। अगर भगवान जन्म नहीं लेते, जो आज हम यहाँ बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, कल बड़े धूमधाम से कल हम बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हम लोगों ने जन्मोत्सव मनाया, आज भी भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनेंगे। अगर भगवान जन्म नहीं लेते, फिर क्या हम ये कथा सुन पाते? इसलिए भगवान अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए ठाकुर जी जगत में जन्म लेते हैं। कभी ये दूसरी कारण हो गया। बोले तीसरा कारण क्या है? जब भगवान कृष्ण मथुरा में देवकी वसुदेव जी कारागार में, कंस कारागार में प्रभु प्रकट हुए, इतने में देवकी वसुदेव बोले, बोले प्रभु आपको मैं पूर्व जन्म में अपना बच्चे रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के जैसे शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के और चमकीले चमकीले वस्त्र अलंकार बैठ करके आए हो। तब कृष्ण कहते हैं, हे देवकी वसुदेव, तुम दोनों पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुत बात, संसार का कोई भोग सुख की नहीं, 10,000 साल पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा करके भजन। मैंने कहा बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु आप जैसे मुझे एक संतान चाहिए। भगवान ने कहा देखो, मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं, मेरे जैसे मैं होता, ठीक है मैं तुम्हारा लाला बन करके आ जाऊंगा। इसलिए जगत में भगवान देवकी वसुदेव के बेटा बन करके आए। कहते तीसरा कारण है। बोले चौथा कारण क्या है? बोले ये जो नंद और यशोदा, ये पूर्व जन्म में द्रोण और ये धरा थे, ये दोनों भी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या चाहिए? बोले प्रभु जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप में माँ के पेट से जन्म लेता है, मैया उनको पल्ले में झुलाती है, उनको स्तन पिलाती है और उनको अंकुल पकड़वा करके ठुमक ठुमक करके चलाना सिखाती है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप मेरे घर में मेरे पुत्र बन करके आओ और आपको हम लाल लड़ाए, आपको हम मक्खन खिलाए। भगवान बोले ठीक है। इसलिए दूसरी जीवन में फिर ये नंद और यशोदा बन करके आते हैं और भगवान की इच्छा को पूरी करते हैं। कितना कारण हो गया? हम लोग गिर रहे कि नहीं? सब चुपचाप बैठे
गिर जाए वो कितना कारण हुआ है? पांच। ध्यान लगा के आसमान तो सुन नहीं लेकिन कितना कारण हो गया? गिनो ठीक से, चार कारण हो गए। पहला आप समय पूछना सुना कभी ये पंचमा कारण क्या है? बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए थे, इतने में सुपर्णा भगवान का रूप देकर के मुक्त हो गई। बोले प्रभु मेरे से शादी कर लो। बोले मेरे तो ऑलरेडी ये सीता है। इतने में देखा लक्ष्मण लकड़ी लेके गया था, अभी लक्ष्मण लकड़ी लेके आया, वो भी बड़ा सुंदर है। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले अभी पत्नी नहीं? बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं। बोले ये भी तो बड़े सुंदर है, बोले इसके मैं शादी कर लो। बोले तेरे जैसे मनमान करने वाले को कौन मना कर सकता है, पूछ करके देख लो। लक्ष्मण को बोले मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण बोला अभी अभी देखा प्रभु जी से कुछ प्रार्थना कर रहे थे, बताओ तू रानी बनना चाहती ना सेविका? बोले रानी? बोले मेरे तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवा करते करते थक जाओगे, कहाँ रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जाओ प्रभु के पास में। फिर राम के पास में गई, फिर प्रभु उद्धार करके बोले ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है, ये जब तक रहेंगे मेरे से शादी नहीं करेंगे। बोले सीता तुम्ही में खान जाते हैं, जो अपना रूप में आ गई। इतने में राम ने लक्ष्मण पर आदेश दिया, लक्ष्मण इसका नाक काट दो। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। कहते वही सुपर्णा जब भगवान कृष्ण बन करके आते हैं, कहते वो कहीं पूजा बन करके आते हैं, भगवान उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कहते ये भी एक कारण है। बोले इसका छठवा कारण क्या है? बोले कल आप लोगों ने देखा था भगवान बामन बन करके बलि महाराज करना है। बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी जगदम्बा। जब उसने भगवान बामन स्वरूप का दर्शन की, भगवान बड़ी सुंदर थे। अभी रत्नमाला के मन में इच्छा हो रही थी, अगर ऐसे एक लाला अगर मेरा लाला दिल पे आता तो मैं दिन भर उसको गोद में लेकर के मैं प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तेरे लाला बन के ही आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान दो पग में विश्व ब्रह्मांड का नाप लिया, बोले बताओ बलि तीसरे चरण में कहाँ रखो? भगवान ने गरुड़ को बुलाया, बोले उसको नाक नाश करने में बांध डालना। तो बांध डाले, इतने में रखने वाला सोच रही है कि तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिता का सर्वस्व हरण कर लिया, फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिया। बोले अगर तू मेरे लाला बन करके आओगे ना, तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा। वही मेरे पुतना बन करके आती है और भगवान उसकी स्तन पान करते हैं और पुतना उसको गोद गोद में लेते हैं। यदि इसका हरि बोल हरि कृष्ण वृंदावन हरि लाल की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। कहते उसका आठवां कारण बताए, भगवान राम 11,000 साल तक अयोध्या में राज्य, हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। श्री वशिष्ठ जी ने बताया, देखो राम तभी तुम अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो जब तुम्हारी पत्नी हो, बगैर पत्नी के लिए यज्ञ नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान राम ने सीता को वनवास दे दिया था। अब लोगों को पता होगा जिस समय भगवान सीता को उद्धार करके लंका से लाए, एक धोबिनी थी, वो धोबिनी गई थी अपना पीहर में, बिहार से आते समय उसको एक नदी पार करना पड़ता था। लेकिन हो गया था शाम और रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी। केवट में
बोले मैं तुम्हें प्रार अधिकार नहीं करा सकता। उसको मजबूरी में एक रात देवटों को घर में बिताना पड़ा। जब वो दूसरे दिन आई, पति ने पूछा पिछले रात में तो कहाँ थी। बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं राम नहीं हूँ। एक साल को बाद में सीता लंका से आई तो, और भगवान राम ने क्या किया, सीता को बराबर आसन दे दिया। मैं राम नहीं हूँ, पिछली रात तुमने जहां बिताई ना वहीं पर चला जा, वहीं पर तुम चला जा। इसलिए भगवान राम ने उनको, श्री धोबी ने उसको, धोबी उसको स्वीकार नहीं की। इसलिए यहाँ पर भगवान राम शिक्षा देते हैं। इसलिए राम ने चिरकाल के लिए सीतापुर में त्याग किया। क्यों? भविष्य में स्त्रियां शक्ति बन करके रहे, यहाँ शिक्षा देते हैं। एक में तो स्त्रियों को अकेले कहीं नहीं जानी चाहिए, और अपना जहां रात नहीं बितानी चाहिए, मना करते हैं प्रभु। इसलिए उन्होंने सीता जी को भी उन्होंने त्याग दिया। अभी वशिष्ठ जी ने कहा, देखो तेरे पिताजी इसलिए तू और एक शादी कर ले। बोले ये राम सीता के सिवाय और किसी को प्राण नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पता है ये सीता पवित्र है, सीता पवित्र सीता है। वो जो रावण जिसको उठा करके लेकर गया था, वो सीता थी, वो तो छाया सीता थी, नकली सीता थी। इसलिए प्रभु को ये बात पता है। इसलिए हर साल में एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे, और उन्होंने एक सोने की सीता बना करके अपना बांव पार्श्व में रख करके यज्ञ करते थे। और श्री वशिष्ठ जी प्राण संचार करने पर वो सीता साक्षात सीता बन जाती। अभी इतने सारे सीता गए ना, कहते वो सारे सीताएं द्वापर युग में ये सब के सब भी बन कर आए, और भगवान उनकी इच्छाओं को पूरी किया। देखो जो कृष्ण ये ऐसे के देवता है ना, कहते कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए। बोले भगवान कृष्ण किसी को छोड़े ही नहीं, कोई भी आए ना, कुबड़ी भी आए उसको भी स्वीकार कर लिया भगवान, सुपड़े का भी आए उसे भी स्वीकार कर लिया, पुतना भी आए उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए उन्होंने किसी को छोड़े नहीं, उन्होंने सबको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान कृष्ण को पास में आप किसी रूप में भी आ जाओ, भगवान कृष्ण ने स्वीकार कर लेते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तदीय नवमा कारण हो गया है, बोले दसवां कारण किया है। बोले एक समय ब्राह्मण लोग से कहते वैकुंठ से भगवान का चरण तुलसी और चंदन, उसकी खुशबू ये वैकुंठ लोक से ब्रह्म लोक में आया। और ब्रह्मा का जो चार पुत्र थे, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे। ये भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति स्वरूप मानते थे। ब्रह्मा जी देव थे, कहा मैंने इनको जन्म दी, कहा प्रभु की प्रेम रस को पान करने चाहिए। पता नहीं भगवान को निराकार मांग करके ध्यान करते रहते। ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे। जब वैकुंठ से ठाकुर जी चरण तुलसी और चंदन की खुशबू आई और इनकी नासिका में प्रवेश की, एकदम चतुसन उन्माद हो गए। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है। बोले बेटा ये वैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी और ये चंदन है। बोले पिताजी जिनकी चरण की तुलसी चंदन में इतनी खुशबू हो वो कितनी सुंदर नहीं होगी। बोले हाँ बेटा वो बड़ी सुंदर दर्शन। जब चतुसन आए, सात दरवाजा पार करने पर प्रभु का दर्शन है, छह दरवाजे तो पार कर लिए, अभी सप्तम दरवाजा पार करना चाहते थे, वहां पर जय और विजय।
ये वैकुंठ के द्वारपाल है, वो वहीं पर खड़े थे। देखा ये दोनों बिना पूछे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं प्रभु लक्ष्मी को साथ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिना पूछे। इतने में उन्होंने छड़ी लेकर के सामने रख ली है, बोले कहाँ जा रहे हो, थोड़ा पूछो तो सही। इतने में चतुसर भड़क गए, बोले हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए पूछने का जरूरत है। इसका नाम वैकुंठ है। वैकुंठ का मतलब है जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट काम क्रोध भोग, और हमें रोक रहे हो। हम तुम दोनों को अभिशाप देता हूँ, जाओ तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओगे। अभी तो रोने लग गए। इतने में ठाकुर जी आ गए, बोले क्या बात है, बोले प्रभु कैसे ऐसी बात है, बोले देखो अगर तुम लोग मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, सात जन्म को बाद में आओगे। अगर शत्रु बन करके जाओगे, तीन जन्म को बाद में मेरे पास में वापस आओगे। बताओ क्या चाहते हो, बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्द से जल्दी आपके पास में हम वापस आ जाए। बोले जाओ तुम दोनों राक्षस बन करके जाओ। वही जय विजय पहला जन्म में कि हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र बने। जब भगवान कृष्ण उनको बध की तभी इनको मुक्ति मिली। इसलिए भगवान जगत में आविर्भूत होते हैं। आप लोगों ने गिना है कितना कारण होते हैं, आप लोगों ने कोई नहीं गिना है, 10 लाख हो गया कि अपना गिना ही नहीं। आपको क्या पता, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। बेटू आज आप लोगों को उदम नहीं मचाना, यू आर स्वीट बॉयज। हरे कृष्ण हरि बोल। पीछे तक आवाज आ रही है, नहीं आ रही? मशीन खराब हो गई, बड़ी वाली जो थी खराब हो गई। पीछे बक्स कहाँ है, पीछे तो कोई बक्स है नहीं। बक्स लगा तो मांग लग सकता है। हरे कृष्ण हरि बोल। आउटपुट देखो ना, हाँ तो बड़ी वाली मैं इसे फिनिश कर दूँ, है ना।
ब्लेस वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जब तक पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्णा मथुरा में कैसे प्रकट हुए, आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्णा गोकुल में नंद के लाला बनकर कैसा है। बोले श्री नंद बाबा जी का जो पिताजी थे उनका नाम था परजन्य बाबा, कहते उनको 5 बेटे थे, उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद। पहले नियम होता था जैसे 4 आश्रम है, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, पहले अभी जैसे बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसी तरह पहले बच्चे लोग 25 साल तक गुरु गृह में जाते थे। हम लोग रामायण देखेंगे जैसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कैसे गुरुकुल में गए थे, कृष्ण भी गुरुकुल में गए थे, 25 साल तक गुरुकुल में रह करके वेद पुराण उपनिषद भागवत ये सारे ग्रंथ पढ़ते थे। जब 25 साल हो जाता था गुरुजी उसे प्रश्न करते थे, बोले बेटा अभी बताओ तू क्या करोगे। अभी जिसको ये पता चलता था ये जीवन दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये मानव जन्म देते नहीं, ये 84 लाख जन्मों के बाद में मिला और इसी जीवन में ही हम मुक्ति की मार्ग देख सकते हैं, वो फिर घर में वापस नहीं आते थे। बोलते थे गुरुजी हम चाहते हैं आपका श्री चरण में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए ये जीवन को संसार से पार लगा दे। अभी जिनको ज्यादा ही संसार की वासना होता था गुरु जी कहते थे बेटा घर में वापस जाओ, जा करके शादी सुधा करो लेकिन लव मैरिज नहीं करना, जैसे तुम्हारी पिता माता तुम्हें वर्णा आश्रम जी तो जहां पर जैसे शादी करवाएंगे वहीं पर तू शादी करना। और शादी करते हुए दोनों पति पत्नी मिल करके ठाकुर जी की भक्ति करना, इसलिए जब शादी होती है ना वो सामने सालग्राम रख करके शादी होती है। हम शादी क्यों करते हैं, पुरुष शादी क्यों करता है, पहले स्त्रियां कहीं बाहर नौकरी नहीं जाती थी, स्त्रियां घर की काम संभालती थी और पुरुष लोग बाहर जाकर के काम करते थे। शादी क्यों करते थे, बोले अकेले हम ठाकुर को सेवा कर ही नहीं सकते क्योंकि पति बाहर जाता है पैसा कमाने के लिए, पर घर में ठाकुर को सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी को खिलाएगा कौन, ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, इसलिए स्त्री का नाम एक है पत्नी व सहधर्मिणी। पति को जो प्रभु की भक्ति में जो मदद करे इसलिए उसका नाम सहधर्मिणी। लेकिन कितने साल तक, बोले 50 साल तक, उसको ऊपर नहीं, इसलिए भागवत में बताया 50 ऊर्ध्वे बनम ब्रजत, 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, शास्त्र मना करता है। देखो अंक क्या आता है, एका बन पा बन चौ बन, मतलब घर में नहीं, अभी तुम वृंदावन जाओ भजन करने के, इसलिए इसो बन 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 शब्द आता है, हैं? अगर तुम भजन करने के लिए नहीं जाओगे घर में बहू आएगी, फिर तुम चाबी लाके बहू को नहीं दोगे तो घर में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, बहू से लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाएगी, इसलिए लड़ाई झगड़ा करने से पहले अपना घर से निकल जाओ, अपना मुक्ति की मार्ग को देखो। अगर भजन नहीं किया देखो क्या अंक आते हैं, बोले 68 60 61 62, मतलब क्या, अगर भजन नहीं करोगे ना फिर सठिया बन जाओगे, भजन फिर भक्ति नहीं होगा तुम्हारे, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञम, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज, बच्चों 5 साल उम्र से प्रभु की भक्ति शुरू करो। बच्चे प्रश्न करते हैं प्रहलाद हमने सुना है क्या रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं, तो बता रहे हो कि 5 साल उम्र से भजन करो। प्रहलाद ने कहा बताओ सरकार रिटायर क्यों करता है, जब देखता है तो किसी काम का नहीं रह गया घर में जाऊंगा, तुमसे और कुछ होने वाला नहीं,
जब सारे काम से रिटायर्ड हो गया पर प्रभु का भक्ति कैसे करोगे? बच्चों ने फिर प्रश्न करते हैं, बोले प्रहलाद जब बड़े होएंगे भजन करके 40-50 साल की, प्रहलाद कहता है क्या तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड रखी हुई? किसको पास में कोई गारंटी कार्ड रखा हुआ है इतना साल तक हम जिंदा रहेंगे, कोई बोल सकता है? बोले नहीं तो अगली जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये जन्म भगवान बारंबार तुम्हें नहीं देते, ये जन्म ठाकुर जी बारंबार ये जन्म ठाकुर जी देते ही नहीं, ये बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए कहते हैं 68 60 60 लेकिन उसको बाद में 69 70 मतलब तर भी जाओगे संसार से, तर भी सकते हो, सठिया होने पर भी तर सकते हो। गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सो धरे सत सत सो धरे सत सत रामायण भागवत पढ़ते थे, इसलिए उनको पता रहता था जीवन बड़े भाग्य से मिला है और इसी जीवन प्रभु का हमें पानी चाहिए। सब लोग ये बात जानते थे। एक समय एक व्यक्ति था, उनका 3 बेटे थे, बच्चे लोग का शादी शुदा हो गया, दुकान मकान ठीक ठाक से करवा दिया। एक दिन पिताजी तीनों बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों मेरे उम्र हो गया है लेकिन मैं तो प्रभु की भक्ति नहीं कर पाए, तुम लोगों के लिए पैसा कमाना, तुमको देखभाल करना और इसी में मेरे जीवन बीत गया। मैं चाहता हूँ जो बच्चा कुचा हुआ थोड़ी समय ही हम प्रभु की भजन में लगाना चाहते हैं। तीनों बच्चे राजी हो गए, बोले पिताजी आप कोई चिंता मत करो, हम काम धाम से सब ठीक ठाक है। अगर तीनों बच्चों सर कर बैठो, अगर हम तीनों बच्चे हर महीना महीना में कुछ पैसा दे देंगे, वृंदावन में आपके घर किराया ले लो, अब रह करके सत्संग करो और भगवान के भजन करो, कोई चिंता मत करो। जब तीनों बच्चों ने पिताजी को ये बात बताई, जब चले गए ना, उनकी 3 बहुएं थी, तीनों बच्चों को बोले इधर आओ, बोले ये बुढ़ा तुमको क्या पाठ पढ़ा रहा था? बोले पिताजी कहते हैं उम्र हो गया है, हम वृंदावन में रह करके थोड़ा भजन करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग तो काम धाम से ठीक ठाक है,
थोड़ी थोड़ी पैसा दे दे के पिता को हमको जन्म दिया लिखाया पढ़ाया हमें पालन किया है। इसलिए पिताजी वृंदावन में रहे भजन करे सत्संग करे। तीनों बहू ने कहा कल तुम तीनों ये बूढ़े को साथ में सारे बिस्तरा बेड़ी की बिस्तरा बांधो और वृंदावन चले जाओ, तुमसे घर गृहस्थी नहीं होगी। बोले ऐसे क्यों बता रहे हो? बोले थोड़ी सी अकल है कि नहीं? ये बूढ़ा घर में जो बच्चे को पकड़ता है बिना पैसा का एक नौकर का काम होता है, जब ये दरवाजा में बैठता है बिना पैसा का एक दरबार का काम होता है, जब ये बूढ़ा वृंदावन जाएगा तुम्हें एक दरबार एक नौकर रखना पड़ेगा कि नहीं होता? फिर क्या होगा? फिर ये दोनों को फिर तनख्वाह देना पड़ेगा और इतने बढ़िया नौकर और दरबार तुमको कोई मिलेगा नहीं? ये बहुओं की बात है। बच्चे तो चुप। ये हमारे बड़े गुरु जी, आप बुरा मत मान, ये हमारे बड़े गुरु जी सुनाते थे। बोले देखो कोई चिंता मत करो, फिर अगर आपको बुलाए ना हम तीनों बहू को इशारा करते ना हम सब संभाल लेंगे। दो दिन दस दिन हो गया बच्चे और कोई बात नहीं कर रहे। वो बोल रहे थे कल ही व्यवस्था कर दे, कोई बात ही नहीं कर रहे। इतने में फिर पिताजी तीनों बच्चों को बुलाए। बोले बच्चों बोल रहे थे हमारा उम्र बीतते जा रही है, हम तो प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे, चाहता हूँ शेष जीवन वृंदावन में बिताऊं। इतने में तीनों बहुएं आ गए बच्चों को, तीनों बच्चे लेकर के पिताजी का गोद में धर दिए। अभी तक कभी चरण नहीं छुए थे, पिताजी का बार बार चरण छुने लगे। बोले पिताजी पिताजी इस उम्र में आप कहाँ वृंदावन जाओगे, कौन देखेगा, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे, थोड़ी सी हम अंतिम समय में सेवा करना चाहते हैं, हमें सेवा नहीं मिलेगा आप कहाँ जाओगे। तीनों बच्चों को गोद में रख करके ना बारम्बार चरण छुए। वो तो बुरा आदमी सरल सीधा था, वो रोने लग गया। अभी तक तो बहुएं कभी चरण छुए नहीं, आज इतने भक्ति। पिताजी ने कहा तुम तो हमारे घर लक्ष्मी तुम हो, यही बच्चे ही मेरे लिए गोपाल बाल गोपाल है। मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, एक काम करो एक भगवत गीता मेरे को ला दो, घर में बैठ बैठ कर पढ़ूंगा। बच्चे कहे पिताजी कोई चिंता नहीं, हम आपको गीता ला देंगे, घर में बैठ बैठ कर पढ़ना। एक महीना हो गया कोई पुस्तक पुस्तक नहीं। फिर पिताजी बुलाए, बोले बच्चों बोल रहे थे एक भगवत गीता ला दोगे, अभी तक गीता लाया नहीं। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो, बड़ी कष्ट से एक गीता ला देंगे। जब पिताजी घर में ग्रंथ खोल करके बैठने के लिए पढ़ने चाहा, इतने में तीनों बहुएं आकर बोले घर में क्यों बैठे, वो आंगन में बैठो ना, वहां पर गेहूं चावल सुखाने के लिए दिया, लो डंडा लो, डंडे को लेकर के वहां पर बैठो, कौआ बकरी आकर खाने। जब पिताजी पुस्तक को खोलकर पढ़ने के लिए जाए, बकरी आ जाए, चिड़िया आ जाए, फिर उसको पीछे भागे। फिर तीनों बहू ने तीनों बच्चों को लेकर पिताजी गोद में दे दिए। बोले ये बच्चों को भी देखो और बकरी को भी, बच्चे और चिड़िया को भगाओ और यहाँ गीता पर। एक गीता का पन्ने खोले पढ़ने के लिए जाए, ये बच्चा रोए ये रोए, उसको थमाए उसको थमाए, और उधर बकरी के पास भजन हो गया। भजन हो गया उनकी भजन। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, अगर हम 50 साल के बाद में वृंदावन में नहीं जा पाए, लेकिन कम से कम अपना घर में थोड़ी बहुत भजन करो ना। मैंने देखा पार्क में बैठी करके सारे वृद्ध लोग बैठ जाते हैं और सारा दुनिया की गप्पे मारते रहते हैं, हैं? घर में बैठी करके भजन से कोई बात नहीं, न्यूज पेपर पढ़ लेंगे एक एक घंटा, टीवी तीन तीन चार चार घंटा खोल कर बैठ जाएंगे, लेकिन थोड़ी भगवान के नाम नहीं, ठाकुर को थोड़ा नाम नहीं लेते हैं। इसलिए ये जीवन दुर्लभ जीवन है, कदि ये जीवन कोहिनूर हीरा है भगवान ने दिया, ये कोहिनूर हीरे हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये क्या है? बोले साधन था मोक्ष कर द्वारा, साधन था मोक्ष कर द्वारा, साधन था मोक्ष कर द्वारा।
साधन का धाम स्वरूप है, ये मुक्ति की दरवाजा में हम पहुंचे हैं। ये 84 लाख जनों भटकते भटकते अगर हम वृंदावन में नहीं जा पाए कोई बात नहीं, कम से कम घर में तो थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, घर में थोड़ी थोड़ी भागवत ग्रंथ तो कम से कम घर में तो पढ़िए, थोड़ा तो माला जप कीजिए। हाँ, इसलिए श्री परजन बाबा को 50 साल हो गया तो बोले और मैं घर में नहीं हूँ। 5 बच्चों को बुलाए, बोले बच्चों मैं चाहता हूँ जो सबसे बड़ा बेटा जो उपानंद है उसको राज सिंहासन में बैठा करके हम भजन करने के लिए जाना चाहता हूँ। दोनों पति पत्नी पान प्रस्थ लेना चाहते हैं। बच्चों ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, लेकिन बच्चों ने कहा देखो पिताजी यद्यपि ये उपानंद बड़ा बेटा है लेकिन राजा बनने का जो योग्य है श्री नंद, ये मझला बेटा सर्वगुण संपन्न है, इसलिए इनका नाम इसलिए नंद है। कहते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो सबको आनंद देने वाले श्री नंद बाबा है। उन्होंने नंद बाबा को राज सिंहासन में बैठाया और दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए चले गए। अभी 4 बच्चों का संतान है लेकिन एक बेटा का संतान नहीं श्री नंद बाबा, बड़ी चिंता में ही राज सिंहासन को कौन संभाले, बड़ी चिंता में। उनने दान पुण्य तीर्थाटन यज्ञ बहुत कुछ किया लेकिन घर में कोई संतान नहीं भाई, नहीं भाई। तो इतने में एक दिन ब्रज में कुछ साधु लोग भ्रमण करते करते आए, आ करके श्री नंद बाबा को बोले नंद बाबा जो ना करे लकीरी तथे सो करे फकीरी, लकीरी मतलब होता है भाग्य, तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं, फकीरी मतलब होता है संत। अगर कोई सचमुच से कुछ कोई शुद्ध साधु हो आशीर्वाद दे देना, तब तुम्हारी भाग्य में जो नहीं वो भी बदल जाती है। संतों की इतनी कृपा है। नंद बाबा बोले भैया जब गंगा बहते बहते घर को सामने आ गई फिर ये गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई, बोले संतों ये ब्रज में रोटी पान की कोई कमी नहीं, कुछ दिन ब्रज में रुझा रहे, खाने पीने का कोई चिंता नहीं, यहीं पर बैठो खूब भजन करो कोई चिंता नहीं। बोले कोई बात नहीं, नंद बाबा संतों के लिए खाने पीने का व्यवस्था कर दिया। लेकिन संतों को पता चला घर में कोई इनकी लाला नहीं, बड़ी चिंता घर में लाला कब हो, इसलिए हम लोगों को भोजन खिला रही। बोले भैया नंद बाबा का घर में बैठी बैठी कर इतना दिन से भोजन कर रहे अभी तक भी घर पे लाला भाई बने। एक ब्रजवासी ने सुन करके गया, बोले नंद बाबा हमने सुना है संत आपस में चर्चा कर रहे थे नंद के लाला कब है वो, बोले तुमने सुना, बोले अभी भी सुन करके आता हूँ, बोले अगर संत लोग कह देना मेरे घर में लाला कब है वो जरूर मेरे घर में लाला होगा। क्यों, संतों का वाणी कभी झूठी नहीं होती है, संतों को बढ़िया भोजन कराओ, संतों को सचमुच से मैया जसोदा की बच्चे जन्म देना का उम्र बीत गई। लेकिन एक दिन नंद और जसोदा ब्रह्म मुहूर्त को बड़े सुंदर स्वप्न देखा, बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फोट मसो क्रीड़ान्मयम लोकते। वो स्वप्न था। हाँ देखो अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखते हैं ना वो करी करी वो सही हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न हो, दोनों ब्रह्म मुहूर्त में ही स्वप्न देखे, दोनों का नींद खुल गई। नंद बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा, पहले आप बताओ क्या देखा। बोले मैंने देखा तेरे गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का जो बालक बोल रहा है, तुम्हारी स्तनपान करते समय दोनों धारे से दूध बहते हुए उसका कुर्ता बिक रहा था। मेरे को स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरी गोद में एक लाला है। मैया बोली मेरी स्वप्न देख लो, मैं भी यही स्वप्न देखा, एक श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे मा 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 करते करते आ रहा और कपड़ा खींचते हुए बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को दूध पिला ले, मचल रहा था। मेरे को लगा सचमुच से कोई लाला है और उसी रात को ही मैया ने गर्भ धारण किया। पूरा ब्रज में हला हो गया, भैया संतों की बड़ी कृपा है, मैया की उम्र बीत गई थी जन्म बच्चे जन्म देने का
लेकिन ये बुनी ऊपर विविध गर्भधारण की, और जितने ब्रज की गोपियां थी ना वो छह छह महीना पहले 84 गज के लहंगा बड़े सुंदर चुनरी बना करके रखे, हम इसको पहन करके हम लाला को बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे वो भी बड़े सुंदर बगल वर्दी धोती पगड़ी बना करके रखे, हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। अभी तो मशीन निकल गया, बेटा होगा ना बेटी होगा पहले पता लगा लेते, और बेटी हो तो मार देती, लेकिन पहले कोई मशीन नहीं होता था। लेकिन जो बड़ी बुरी गोपियां होती थी ना वो कुछ चिन्ह से बता देती थी बेटा होगा ना बेटी होगी। एक बड़ी बुरी गोपी थी, बोले मैया जसोदा लगता है तेरे गोद में एक लाला होने वाला है, बोले तेरे को पत्तों कैसे पड़ो, बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब लाला होने वाला, पुराण में इसका लक्षण बताया गया है। एक गोपी बोली मैया तुमने कुंवारीपण में जुड़ में केलत नहीं खा ली थी, बोले क्यों, बोले लगता है तेरे गर्भ में दो बच्चे हैं, कृष्णा और जोग माया, उनके गर्भ में दो बच्चे थे। इतने में गर्भ में जब बच्चा होना माताओं को चटपटी चीजें अच्छी लगती है। मैया बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, बड़े सुंदर गैया के दूध में उसमें मिश्री काजू पिस्ता डाल करके और घी डाल करके बड़े सुंदर घी खीर बनाए और भगवान को भोग लगवाए, लगवा करके उन्होंने सुंदर सुंदर फोटो उसको दिखाओ, भगवान को सुंदर सुंदर पिक्चर उसको दिखाओ, जिसको द्वारा उसको ऊपर में उसको देखने पर उसको गर्भ में संस्कार पड़ती है। उस समय गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, देखना आपका जो बच्चा है ना इतने संस्कारी बनकर के आएगा, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा, अब बड़ी होनहार बच्चा होगा। आप लोग रामायण सुने होंगे देखे होंगे, जब मैया सीता गर्भवती थी भगवान राम ने बड़े बड़े संतों को बुलाया और घर में उन्होंने सत्संग रखवाए और सीता को बोले सीते बताए आज हमने ये साधु संतों को क्यों बुलाया, बोले क्यों, बोले अभी तुम गर्भवती हो, अगर तुम सत्संग सुनोगे ना वो बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, बच्चा बड़ा सुंदर बच्चा धार्मिक ज्ञानी बनेगा। इसलिए उनको बेटा कौन हुई, लव और कुश हुई। आप देखे होंगे राम कथा को उन्होंने राम को सुनाई और कितने बलवान हुए, भरत शत्रुघ्न सुग्रीव हनुमान को उन्होंने धराशायी कर दिए, इतने बलवान से लव कुश हुए। आप लोग महाभारत भी देखे होंगे जिस समय युद्ध हो रहा था कुरु पांडव में, इतने में द्रोणाचार्य ने चक्र व्यूह रचना की, लेकिन एक चक्र व्यूह भेद करना केवल अर्जुन को आता और किसी को आता नहीं, लेकिन अर्जुन चला गया दूसरे तरफ में, बोले ये चक्र व्यूह को कौन भेद करेगा, अभिमन्यु ने कहा मैं कर सकता हूँ, बोले तुमने सीखा कहाँ से, बोले जब मैं मैया के पेट में था सुभद्रा के पेट में, एक दिन मैया मेरी सुभद्रा मेरे पिता अर्जुन से पूछा सोते समय ये चक्र व्यूह क्या होता है, मेरे पिता अर्जुन ने मेरी मैया को चक्र व्यूह की बात सुना कैसे अंदर में प्रवेश करेगा, प्रवेश की बात तो सुना दी थी लेकिन वो निकलने का बात बताने जा रहे कि सुभद्रा सो गए, फिर मेरे मैया ने वो बात नहीं बताई, पिताजी ने बताई नहीं, इसलिए मैं मैया के पेट में रहते रहते सीख गया, मैं तो भेद कर सकता हूँ लेकिन वापस कैसे आऊंगा नहीं आ सकता हूँ। पांडव बोले कोई बात नहीं तो भेद कर लो, हम तुमको वापस ले आएंगे। आप लोग महाभारत देखे होंगे अभिमन्यु तो प्रवेश कर गया लेकिन जयद्रथ को शंकर जी ने वरदान दिया था एक दिन के लिए अर्जुन पर सिवाय चार पांडवों को तो जीत सकते लेकिन अर्जुन नहीं, अर्जुन कहता दूसरे तरफ में अभिमन्यु मारा गया। देखो ये गर्भ संस्कार कितने जोर जबरदस्ती संस्कार, अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए उल्टा पुल्टा अगर आप फिल्म देखेंगे ना वो बच्चा गर्भ से डाकू बन करके आएगा। इसलिए हम जहां जहां जाते हैं ना हर जगह में लोग कहते हैं हमारा बेटा बात नहीं सुनता है, हमारा बाबा थोड़ा बेटे को समझा दो बेटा बात नहीं सुनता है, क्योंकि हमने कोई संस्कार नहीं दिया बच्चों को, कोई गीता भागवत पढ़ी नहीं, उल्टा पुल्टा फिल्म गंदी गंदी चीज हमने देखा, वो सबके सब बच्चे को अंदर में ये बुरा असर पड़ा है। इसलिए ये माताओं का अंदर में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गर्भ में बच्चे रहते हुए कभी भी
गंदी गंदी दिल्ली उल्टा पुल्टा जो मारपीट होता है ना दिल्ली में लड़ाई बच्चा देखना बच्चे जन्म लेकर के कभी कभी उसका हाथ में छोटा बोतल पकड़वाते बड़े होकर बड़ा बोतल पकड़ता है उसको छोटा बंदूक बड़े होकर बड़ा बंदूक पकड़ता है बच्चा। इसलिए ये पिता माता इसी विषय पर सावधान रहना है। इसलिए अभी मैया चुनाव क्या करा रहे हैं बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की सुंदर सुंदर फोटो दिखाते हैं रामायण सुनती है ठाकुर जी की कथा क्यों इसकी गर्भ में बच्चा अच्छा बन करके आए। अभी नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदना वो आकर के घर का सारे काम काज को खुद संभाल रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात को ही बच्चा जन्म हो जाएगा अष्टमी भादो की महीना है इसलिए रोहिणी नक्षत्र लगता है आज रात को कोई बच्चा जन्म होने वाला है। रात में 8 बजे तक सब जगे रहते हैं 8 बजे तक सब सो जाते हैं बोले एक ही काम करो 2 घंटा 2 घंटा गोपियों को ड्यूटी लगवा दो इनके ढोलकी और मजरा पकड़वा दो बैठ करके सब सब हरि कीर्तन करें पता नहीं बालक का कब जन्म हो जाए है बैठ करके सब गोपियां कीर्तन कर रही थी बोले जी और श्याम लाला जी और श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला जी और श्याम लाला जी और श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला जी और श्याम लाला जी और श्याम लाला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला आ गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो नंद लाला आ गोकुल में आयो नंद लाला गोकुल में आयो नंद लाला I'm gonna get out of here.
कीर्तन की और उसको बाद में जिनको ड्यूटी लगी ना जो माया में सब फसला था। पता नहीं कब श्री वसुदेव महाराज मथुरा से आए और बेटा को रख करके बेटी को ले गए, किसको पता ही नहीं। एकदम सवेरे सवेरे सुनोदा की नींद खुली, बोले भैया भाभी का क्या हालत देखती। दरवाजा खोल करके देखती है मैया जसोदा जी गोद में बड़ा सुंदर एक लाला पौल रहा है और गीता चार दे रहा है। बोले किसको पता ही नहीं पड़ा कब लाली जन्म हो गई। पहले श्री नंद बाबा को ये खबर देनी चाहिए फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। लेकिन नंद बाबा है ना, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, देखा नंद बाबा बड़े गुरुओं के बीच में बैठे थे, माला जप कर रहे थे। माला तो जप नहीं हो रहा था, वो सोच रहे थे कब लाला होएगो, कभी छोरा होएगो, घर में लाला कब होएगो, लाला कब होएगो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जा करके बोल दिया, बोले भैया कमाल है गए हो। जब उन्होंने बोले कमाल है गए हो, नंद बाबा तो छलांग लगा दी। बोले बहन कहाँ गए हो, बोले ये बताओ मेरे को मिलेगा क्या, फिर उसको बाद में बताऊंगी। बोले तेरे को मैं नवला की हार दूंगा, बताओ घर में कहा गए हुए। बोले भैया बात इतने बड़ी बात है, उसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात, बोले हाँ। बोले बताओ और क्या दोगे। बोले जमुना किनारा में वो जितने गैया चरतना घास खाते, जितने जमनी जगह, वो सारे तेरे नाम पर लिख दूंगा। बोले बाबा बात इतने बड़ी, उसको सामने वो जमनी भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात, बोले हाँ। बोले और क्या दोगे बता। बोले बोले ट्रेजरी का सारे चाबी काट तू ले, जो इच्छा खोल करके ले लेना, लेकिन ये बता तो घर में कहा भयो है। बोले भैया बात इतने बड़ी, जिसको सामने वो तुम्हारी ट्रेजरी का चाबी काट भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात, बोले हाँ। बोले बता और क्या दोगे। बोले आज से ना मैं तेरा ही होगी, लेकिन बोलो तो सही घर में कहा भयो है। बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की जय हो। बोले श्री कृष्ण के कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री लाल। फिर नंद बाबा तो वहीं से ही दौड़ लगा। इतने में ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे, कितने सारे ब्रजवासी आएंगे। अरे थोड़ा सा धज करने जा तो सही। बड़ी सुंदर बगलवती धोती पहना दिए, पगड़ी बना दिए, बड़े सुंदर गले में माला लगा दी और सुंदर तिलक लगा दिए। बोले देखो कैसे लग रहे। बोले चुप लग रहा हूँ, बढ़िया। बोले एक चीज की कसर रह गई। बोले किस चीज की। बोले दाढ़ी ना थोड़ी सी सफेद है। बोले चिंता क्यों कर, उसको भी कलर कर देते हैं। बोले देखो अभी तेज लग रहा। बोले कोई पट्टा एकदम जवान लग रहा। बोले अभी जाओ। नंद बाबा कितने तपस्या किया, कितने दान, कितने उन्होंने यज्ञ किया घर में के लाला हो जाए। पहला बार जब उन्होंने लाला को मुख दर्शन उन्होंने की, प्रसन्न होकर के बोले संत ब्राह्मण को हम 20 लाख गैया दान दो और सिंह को सोने में बढ़वा करके पूर्व चांदी में बड़े सुंदर मखमल कपड़े ढक करके दान दूंगा और 7 3 पर्वत भी दान दूंगा। क्यों, 3 दान का बहुत महिमा है। इसलिए एक एकादशी आदमी जिसका नाम सप्तिला एकादशी, 3 दान की बड़ी महिमा है। बोले मैं इनको सब दान दूंगा।
बोले पहले ये साधु संत ये लाला मेरो नहीं, ये लाला तुम सबको लाला। और जितने गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही थी, जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना, जितने पुरुष ब्रजवासी थे ये सबके साथ जाकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे थे। मैं बोलूंगा नंद बाबा बधाई हो, अब लोग क्या बोलोगे? बधाई हो, जोर से ठीक है बोले नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। देखो ये बाबा गड़बड़ कर दिया भैया लोग जिता दिया हाँ कि गड़बड़ी कर दिया, लेकिन जो कुछ हुआ लेकिन गोपियां ही हर समय जीतती है ठीक है। राधा रानी का दल अगर जीतना, कृष्ण राधा जी की जीत को देखकर खुश होते हैं, कृष्ण जीत कर उनका आनंद नहीं मिलता है, अगर राधा रानी अगर जीत जाए ना कृष्ण खुश हो जाते। इसलिए आपका जो कृष्ण लोग अब लोग राधा रानी की दल हो आपका खुश में वो लोग खुश होते हैं, इसलिए कोई चिंता मत करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। अभी सब लोग आ गए हैं लेकिन केवल दो व्यक्ति बाकी है। बोले कौन है? राधा रानी के जो पिता माता, क्योंकि ब्रज में दो राजा हैं, एक नंद राजा और एक वृषभ हरि महाराज। अभी केवल वृषभ हरि महाराज कीर्ति का मैया आ जाए फिर उत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते वृषभ हरि महाराज कीर्ति का मैया प्रवेश किए हैं, अभी उत्सव प्रारंभ होगी। मैया कृतिका ने तीन चार मटकियों में एक में दही दूध घी है मिश्री लेकर के आई थी, एक गोपने के डंडा लेकर के आई और मटकी को जोर से मारी, मारते मटकी तो फूट गई और कृतिका सुंदरी दूध दही में स्नान कर ली। एक दही का नहीं होता है, दही में हल्दी और घी मिला के एक दूसरे के ऊपर में लगाते हैं, सब सबको ऊपर लगा रहे थे, वहां तो कीचड़ कीचड़ हो गया और सब फिसल फिसल करके दूसरे गोबर में गिर रहे थे और इतने बड़े बड़े मक्खन की ठेला लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। एक सात साल की डोकर थी वो ऐसे देख रहे थे, बोले भैया बड़ी जोर की नंद महोत्सव है रहे हो। वो तो मुंह खोल करके खड़ी थी, एक भी दांत नहीं, एक गोप ने एक मक्खन की थैला उठाए और वो बुढ़ी मैया की मुंह को लक्ष्य करके मारे, मारते ही मुंह में लगते ही दांत थी नहीं, वो सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, वहां पर 33 करोड़ देवता प्रभु को उत्सव में आए थे, श्री भोले बाबा भी आए थे। नंद बाबा ने 20 लाख रुपया दिया, भोले बाबा तो डर गए, बोले क्यों? बोले भोले बाबा का वाहन कौन है बताओ तो? भोले बाबा का वाहन नंदी बाबा, नंदी वो भी पहले है जहाँ 20 लाख गैया दान दे रही। शंकर जी सुहे भगवान इतने गैया दान दे रहे हैं, भूल से मेरे नंदी को तो गैया मान कर दान नहीं दे देंगे, फिर तो मैं खाली वाहन में कैसे चल चल कर दिखाऊंगा। उन्होंने तो नंदी को पूछ को पकड़ कर खड़े होंगे। वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, कहते मैया पार्वती दो बेटे लेके आई थी, दो बेटे कौन कौन है? गणेश और कार्तिक। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, नंद बाबा इतने हाथी दान दिए। अभी
मैया पार्वती डर गई क्यों इनको बेटा श्री गजानन गणेश मुंह हाथी जैसा ना। बोले नंद बाबा इतने हाथी दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं हाथियों को दान देते तो मेरे बेटे को भी तो हाथी रूप में दान नहीं देगी। मैया पार्वती तो गणेश जी को गोद में लेगी और बड़े जोर से चुपका करके खड़ी थी और वहां पर धन कुबेर भी आए सारे धन का माली। लेकिन आज श्री नंद बाबा इतने धन दौलत हीरे जवाहरात दान कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते रमा तिलक अभूत मिलो, ऐसे लग रहा था मानो जैसे भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं अली गलियों में नृत्य कर रही थी। नंद बाबा जो हीरे जवाहरात दान दे रहे थे ब्राह्मणों को गठरी बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे, वो गठरी की कोने से गिरते 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 गिरने रहा था। ऐसे लग रहा था मानो लक्ष्मी गली गलियों में नाच रही है, इसलिए सारा दुनिया नाच रही थी कीर्तन कर रही थी गा रही थी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लेकिन सबके सब नाच रही थी लेकिन एक व्यक्ति नहीं नाच रही थी। बोले कौन है? बोले मैया रोहिणी। बोले क्यों नहीं नाच रही थी? बोले रोहिणी प्रोषित भत्रिका। प्रोषित भत्रिका का मतलब होता है जिसका पति दूर देश में और दुख में हो। पति कौन है? वसुदेव। कहां पर? मथुरा में। कहां पर? कंस का कारागार में बैठे। अगर जिसका पति कारागार में हो उसकी पत्नी भरी सभा में कभी नाचेगी? वो कभी नाच नहीं सकती है। वो बेचारी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। नंद बाबा बोले भैया घर की सदस्य से रोहिणी कहाँ है? देखा घर तो रोहिणी चुपचाप बैठी हुई। बोले रोहिणी तुम घर में दो ही स्त्री हो, एक जसोदा और तुम। अभी जसोदा तो बच्चा जन्म दिया कुछ तो कर ही नहीं सकती, अभी तुमको तो सारा काम तो देखभाल तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। हाँ हमें पता है तेरे पति दूर देश में जेल में है, हमें ये पता है यार कम से कम मेरे लाला को तो आशीर्वाद तो दो कम से कम। तब उनका जो बलदेव प्रभु 15 दिन पहले बलदेव प्रभु जन्म हुई लेकिन वो जन्म से ही आंख बंद करके रखी। बोले क्यों? बोले सबसे पहले मैं कृष्ण को देख करके ये आंख खोलूंगा माता रोहिणी, फिर बलदेव प्रभु को लेकर के कृष्ण को पास में सुला देती है। सुलाते ही सामने कृष्ण आ गए, इतने में बलदेव प्रभु आंख खोल दिए। आंख खोल कर देख करके रोहिणी तो दुखी थी लेकिन लाला जब आंख खोल दिया ना उनको भी रहा नहीं गया, वो भी ठुमक लगा कर वो भी नाचना शुरू कर दी। अभी प्रभु जी आपके सुंदर बधाई बोलेंगे, अब बधाई में जो नाच सके सबके सब नाचना, क्योंकि भगवान की बधाई में नाच लोगे ना ये 33 करोड़ देवादेवी भी आकर के नाच रही है। क्यों? ठाकुर ने स्वयं जन्म लिए है, इसलिए भगवान की बधाई में एक बार जो नाचेगा ना फिर दुनिया में किसको सामने उसको नाचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कोई पति को सामने नाचेगी, कोई सास को सामने, कोई नंद को सामने, कोई बहू को सामने, कोई बेटा का सामने, कोई पैसा का सामने, नहीं तो 84 लड़के जो की नाच रहे हैं। तब तक नाचेगी जब तक ठाकुर का कीर्तन में नहीं नाचते। अगर ठाकुर का कीर्तन में नाच रहे ना सर नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन भगवान कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। अब 84 को ब्रज मंदिर में सबको पता चल गया हो कि नंद के घर लाला भाई है और ये भारतवर्ष में नहीं पश्चात देश में भी पता चल गया। आप लोग ईश्वर मंदिर देखे हैं वृंदावन, तो विदेश से ग्वाल और गोपी भी आ गया, बधाई जाए। यहाँ भी आए, यहाँ पे भी आए आएगी विदेशी गोपी। तो यहाँ कुछ दिन रहने के बाद विदेशी गोपी आ गया, कुछ दिन रहने के बाद थोड़ी थोड़ी हिंदी और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में कैसे बधाई दे रहे थे। कृष्ण कन्हैया तेरे लिए
एक दूसरी विदेशी लोगी उठ करके वो क्या उनके संग क्या रहे थे कन्हैया जो है मोटी को छेड़ रहे थे तो दूसरी गोपी क्या बोली थी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी थोड़ी हिंदी ओ डोंट टच माय गंगती मोहर रसिया डोंट टच माय गंगती मोहर रसिया मोहर रसिया माय पायल रसिया मोहर रसिया माय पायल रसिया डोंट टच माय गंगती मोहर रसिया डोंट टच माय गंगती मोहर रसिया अब देखिए विदेशी लोग तो आए हैं फिर भारत वर्ष में कहा हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले पता चलो ब्रज में तो मतलब चलो लेकिन हिमाचल के लोग बनाए बधाई दे वृंदावन में और वो अपनी भाषा में कैसे कन्हैया को बधाई दे हिमाचली भाषा में ओ सामा कुंडलू अपाल तेरी है मैं दंदा ओ सामा कुंडलू अपाल तेरी है मैं दंदा ले विश्विक तन मैं दंदा ओ सामा कुंडलू अपाल तेरी है मैं दंदा उसके बाद हिमाचल के बाद क्या है पंजाब पंजाब के लोगों को तो देखते ही बनता है पगड़ी वाले पंजाब के लोग बाग भी आए वृंदावन में और कन्हैया को कैसे बधाई दे रही होली में नचना होली में नचना मोहन देना आज नचले राजस्थान पवित्र भूमि खाली बड़ा ही बड़ा वहां से सब लोग आए जयपुर जोधपुर यहाँ से सब लोग बाग आए और बधाई दे रहे हैं राजस्थानी भाषा देखिए कैसे अरे थार सखी के ओ लथी उमर भई दिन ली तो आज गोला अरे थार सखी के ओ लथी उमर भई दिन ली तो आज गोला खाने ली तो आज गोला खाने ली तो आज गोला आप देखिए आप कहां से लोग आए तिरुपति बालाजी सबसे धनी ठाकुर 300 रुपया टिकट लेकिन 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है सबसे धनी ठाकुर तिरुपति बालाजी से लोग आए और वहां के लोग आकर क्या कह रहे देखिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलम हम जो है महाराष्ट्र महाराष्ट्र के लोग आए और उनको तो सब में कृष्ण भगवान में भी विठ्ठल भगवान दर्शन आता है तो आइए
देखिए वो लोग कैसे बधाई दे रहे हैं। मजा पांडुरंग विठला 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 मजा पांडुरंग विठला हाँ विठला 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 मजा पांडुरंग विठला। आप देखिए कलकत्ता से लोग आए, कलकत्ता से लोग आए वृंदावन में, कलकत्ता से बंगाली लोग वहां से आकर के वृंदावन में कैसे बंगाली भाषा में बधाई दे रही थी। तो साधे लाल ओ साधे लाल बधाई लो मोरे बोरी दादी, साधे लाल बधाई लो मोरे बोरी दादी। बुलावे देखिए उड़ीसा प्रांत से भी लोग बगाए, यहाँ पे हमारे महाराज जी है जगन्नाथपुरी, वहां से लोग बगाए क्या खीरचोरा गोपीनाथ साक्षी गोपाल बालेश्वर भुवनेश्वर कटक सब जगह से लोग बगाए। और उड़ीसा भाषा में कैसे बाधा दे रहे तो आइए आप 84 कोष ब्रजमंडल में सबको पता चल गया कि नंद के घर लाला भय है। और 84 गज के लहंगा हरिया पहन करके सभी ब्रजवासी लोग आए, और एटा के लोग भी आए, एटा के गोपी जो भी है वो आ जाए सामने और नृत्य प्रेस करें। कैसे बधाई दे रहे हैं ब्रजवासी लोग, कैसे नाच रहे हैं, कन्हैया को नाच नाच कर बधाई दे रहे हैं। तो कैसे बनी गोप गोपाल देखिए, आज पर भी सी ब्रज नारी बनी, आज भर भी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गंजा से ग्वाला।
खुशी
और नाइट आ गए आपको पांच सात में रोज ठाकुर जी के बारे में बताएंगे सबसे बैठ जाए ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीनारायण गोस्वामीति नाम्ने वाञ्छः कल्पतरुणभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे इतनी तेज तो बोलो कि कम से कम मैं अपने गांव में अपनी जगह पे आया हूँ मैं भी एटा का मुझे पता चला एटा वाले इतनी तेज बोल सकते हैं इतनी तेज बोलो कि टेंट फाड़ के ब्रह्मांड में जाए भगवान को विवश होके यहाँ पे आपके सामने आना पड़े बोलो हरे सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट जय विष्णु पाद अष्ट सभी युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणति निवेदन करता हूँ और उनके हेतु की प्रकार की मांछा करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कृपा वांछा करता हूँ। गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ कृपा वांछा करता हूँ। हमारे बीच पूज्यपाद श्याम प्रभु श्रीधाम प्रभु सारे ब्रह्मचारीगण मातृगण पितागण सभी के चरणों में मैं थायु को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। महाराज जी का आदेश है कुछ हरी कथा बोलने के लिए, योग्यता स्थिति तो नहीं लेकिन फिर भी बोलने का प्रयास करूंगा। भगवान के नाम की महिमा बहुत ज्यादा है और कलयुग में आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय नाम के। आप कुछ भी करेंगे, कोई भी प्रयास करेंगे, कोई भी यज्ञ करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर कलयुग से तारण का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भगवान का नाम। और दुख का विषय जीव की आज उसी में रुचि नहीं है, हर बात में नहीं है, पर भगवान नाम में किसी की कोई रुचि नहीं है। बहुत मुश्किल से नाम निकलता है, अगर अभी बोलने के लिए कह दिया जाए तो आधे लोग बोलेंगे क्योंकि शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात है कि नाम बोलने में शर्म आती है, क्यों? क्योंकि कभी जीवन में अभ्यास किया ही नहीं, कभी जीवन में प्रयास किया ही नहीं। प्रयास जिस चीज के लिए हो रहा है अंत समय पर वही निकलेगा। भगवान के नाम की कितनी महिमा है, बहुत सारी कथाएं हैं। धुंधकारी का उपाख्यान है, अजामिल का उपाख्यान है। मैं कलयुग के एक बात सुनाता हूँ। राजस्थान में एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम था श्यामानंदास बाबा जी महाराज। श्यामानंदास बाबा जी महाराज हर समय भगवान राम का नाम लेते थे, हर समय हर क्षण हर परिस्थिति में भगवान राम को लिया करते थे। वो एक बार क्या हुआ, वो कहीं और जो नाम ले भगवान का हमारे महाराज जी की तरफ, वो कभी एक जगह रुकते नहीं है। वो क्या करते हैं, हर जगह जहां जहां जीव इस माया में फंसा हुआ है उस जीव के पास जा जा करके उसका उद्धार करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं, कोई आकर के अगर हमको इलाज कराना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर हमारे पास चल के नहीं आएगा। और भगवान के भक्तों की ऐसी कृपा है कि वो चल करके आपके घर पे आपके दरवाजे पर आकर के आपसे भगवान का नाम कराएंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। जो आपसे कुछ लेने वाला है ना, जिसको आपके धन की अभिलाषा है, आपकी किसी चीज की अभिलाषा है, वो आपके घर कभी चल के नहीं आएगा, आपको उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि आप उसकी महिमा सुनेंगे। वहां जाने से पेट दर्द बंद हो जाता है, वहां जाने से दर्द बंद हो जाता है, लोग जाएंगे लाइन लगाएंगे दो दो घंटे, बाद में कितनों का दर्द बंद हुआ सब जानते हैं, कितने समय के लोग हम सब जानते हैं, बहुत लोग ऐसी जगह पे जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो भगवान के भक्त हैं वो इतने कृपालु होते हैं, वो खुद आता, हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हमको कोई चीज समझनी नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी, तो वो क्या कर रहे हैं, हर समय भगवान राम का नाम कर रहे हैं और हर जगह नाम करते हैं और नाम करने के चक्कर में जगह जगह घूमते रहते हैं। एक दिन वो नाम करने के लिए घूमते घूमते एक जंगल से गुजरे
और जंगल से गुजरते गुजरते उनको बहुत रात हो गई, पर वो तो भगवान राम के नाम में मस्त, उनको पता ही नहीं मैं रास्ता भूल गया क्या हो गया। वो थोड़ी दूर पर गए, उन्होंने कुछ वृक्षों के बीच में देखा कि कुछ आवाजें आ रही हैं, बड़ी अजीब अजीब आवाजें। उन्होंने वो देख करके समझ गए कि यहाँ पर प्रेतों की शादी हो रही है। क्या हो रहा है? प्रेत कोई उत्सव कर रहे हैं, भूत प्रेत। तो भूत प्रेत उत्सव कर रहे हैं, तो वो उनमें गए। अब वो तो भगवान के भक्त हैं तो कोई भय होता नहीं, पर आम जगत का जीव होता तो क्या होता, भयभीत होकर के वहीं मर जाता। वो गए और निर्विघ्न रूप से भगवान राम का नाम करते जा रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं। सारे प्रेतों ने देखा ये कैसा मनुष्य जो हमको देख करके भयभीत ही नहीं हो रहा, नाम ले रहा है भगवान के निरंतर। और जब उस भूतों के राजा उन्होंने देखा, अरे ये मनुष्य हमारे बीच में कहां से आ गया और हमारे उत्सव में खलल डाल रहा, तो उसको पकड़ कर लेकर के अपने राजा के पास, प्रेतों का राजा। तो बोला कि तुम जानते नहीं हम कौन है, तो तुम हमारे बीच में आकर मनुष्य होकर के हमारे इस आनंद में विघ्न डाल रहे हो। बोले तुमको अपनी मृत्यु का भय नहीं? तो बहुत तेज बाबा जी हंसे, बोले मृत्यु का भय? बोले मृत्यु का भय तो उसको होता है जिसकी कभी मृत्यु होती है। मैं जानता हूँ मेरी कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती, मैं क्यों भयभीत हूँ, किस बात का भय? बोले चलो मैं तो भयभीत हुआ नहीं हुआ, पर तुम लोग किस बात की इतनी खुशी मना रहे हो? तो बोले मैं प्रेतराज हूँ और मेरी बेटी जो है ना ये बहुत समय से कुंवारी है और आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले क्यों? बोले उत्सव हो रहा है। बोले क्या होगा? बोले कल मेरी बेटी की बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ, शादी नहीं हुई, कल इसके लिए योग के वर मिल गया है और कल इसकी शादी है। बोले कल शादी? आज से उत्सव हो रहा है? बोले हाँ, कल मरेगा तब इसका पति बनेगा, तो पहले से उत्सव कर रहे। तो भाई प्रेत का पति कैसा होगा? बोले महादुराचारी, महादुष्ट, जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं, जो हर समय क्या कर रहा है, दुष्टता के काम कर रहा है। वो एक भयंकर रोग से पीड़ित है और पड़ोस के गांव का जो प्रधान है ना उसका बेटा है और वो बीमार है। और वो क्या होगा? वो कल सुबह अपने शरीर को छोड़ेगा और बोले अपने शरीर को जब छोड़ेगा मरेगा तो फिर यहाँ पर आएगा और मेरी बेटी से क्या होगी, शादी होगी। साधु बोले बस इतनी सी बात? बोले हाँ। बोले ठीक है अपना उत्सव मनाओ। अब वो साधु का तो कुछ कर नहीं सकते, साधु वहां से चले गए। सुबह पहुंचे, रात में ही चलते चलते उस गांव में पहुंच गए और पूछा किसी से, भाई इस नाम व्यक्ति कोई बीमार है क्या? हाँ बाबा जी, यहाँ पे एक बीमार है, वो मरने वाला है, बस उसकी स्थिति खत्म ही है। बड़े दुखी उसके घर वाले, वो उसके पास गए, बाबा जी भगवान नाम कर रहे, उसके सिर पे हाथ रखा, बोले बेटा ठीक हो? तो उसने आंख खोल के, बहुत दिनों से जो आंख नहीं खोली थी, बाबा जी की तरफ आंख खोल करके तो बोले हाँ बाबा जी ठीक हूँ। बोले जीवन तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया? बोले बोले कितना कष्ट हो रहा? बोले बहुत कष्ट हो रहा है। बोले कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ भगवान का नाम लो। तो उसने बड़ा प्रयास किया, भगवान का नाम नहीं निकला, सुनता रहा, थोड़ा सा नाम निकला। और निकलते ही थोड़ा समय बीता, सब लोगों से बोला कीर्तन करो भगवान का, क्यों बाबा जी समझ गए इसका समय, उनको तो पता है भूत ने पहले ही बोल दिया इसके मरने का समय। और वो नाम बोला और नाम बोलते बोलते उसका शरीर छूटा। अब वो कहां जाएगा दुराचारी? वो अंत समय में भगवान का नाम ले रहा है और कौन कृपा कर रहा है? वो जो भगवान के भक्त है वही कृपा कर रहे। वो कृपा करके उसको क्या किया, भगवान के नाम को चरण में लगा दिया और जैसे उसका शरीर छूटा उसने दिव्य शरीर धारण किया और वो तो भगवान के धाम चला गया। अब बाबा जी फिर वहां से मस्ती करते हुए दूसरे दिन वापस आए, रास्ते में फिर उसी जंगल में गए, बोले जानबूझ के जा रहे हैं, उनको पता है, देखे वहां पर कोई उत्सव नहीं है, वहां तो रोने की आवाजें आ रही है, बड़ी बुरी बुरी से लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बाबा जी बोले अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारा तो उत्सव हो रहा था, तुम्हारी बेटी की तो बारात आने वाली थी, क्या हुआ? बोले हे दुष्ट, तू हमसे ये बात कर रहा है, तेरी ही वजह से सारी लंका ढह गई, तेरी वजह से सब कुछ हमारा चला गया। अरे मेरी बेटी के लिए इतनी मुश्किल से सुयोग के बार मिला था, पर तूने भगवान का नाम का स्मरण करा के उसको भगवत धाम भेज दिया। बाबा जी को इतना ताज्जुब हुआ, अरे मैं तो सिर्फ एक प्रयास के लिए उसके पास गया था कि मैं भगवान नाम करा देता हूँ, अंदर से मेरा इतना विश्वास नहीं था। बाबा जी को इतना ज्यादा हृदय में प्रेम हुआ भगवान नाम के प्रति और वहीं पर रोते रोते भगवान के नाम का कीर्तन करके आनंद से रोने लगे। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे को आज पता चला भगवान का नाम कितना कृपालु, कितना दयालु है। इसके लिए जब इतना दुष्ट कर सकता है तो जो लोग इस नाम को लेंगे, जो दुष्ट नहीं है, जो बहुत अच्छे जैसे आप लोग हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं जिस जगह के आप सब रह रहे हैं मैं ही का रहने वाला हूँ। तो मैं जब 2004 में दिल्ली गया तो मैं, ये सच बात है, जो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे उनकी गलती है, झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सच में हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम पर कमरा करके कोई नहीं देता, सच बात है ये बात है। स्वीकार करने में कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो गया हूँ, मुझे पता
जो कहते ऐसा नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ सच्ची में। और दो डिस्ट्रिक्टों का नाम मिला के बोलते, एक साथ अरे एक नहीं बोलेंगे, उनसे बोलो मैं एटा का हूँ, अच्छा एटा मैनपुरी मिला के बोलेंगे। पूरे दिल्ली में कहीं भी जाओ एनसीआर में, दोनों डिस्ट्रिक्टों को एक करके बोलते हैं। और उस नजर से देखते हैं जैसे पता नहीं हम कौन से क्रिमिनल क्षेत्र से आए हैं, जैसे क्रिमिनल थिंकिंग है उनकी। लेकिन ऐसी जगह पर भी जहां पर लोगों की थिंकिंग ऐसी, वहां के लोग ऐसे हैं, वहां भगवान के नाम के प्रति इतना प्रेम देख करके मेरा हृदय तो बहुत गदगद हुआ। मैं जब आया तो मैं सोच के नहीं आया था कि इतनी भीड़ मुझे मिलेगी, सच बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं दिल्ली से कल चला और मैंने आज यहाँ पर देखा, कल आया, आज भी देखा, तो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद मेरे हृदय में आया कि आप लोग इतना ज्यादा भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा है। और देखो कोई भी चीज बोलने से पहले ना किसी व्यक्ति का ऋण होता है, तो जो लोग ये कथा करा रहे हैं ना वो लोग सच में बहुत भगवान की कृपा पात्र हैं। उनकी कृपा से आप इतने सारे लोग भगवान का नाम सुन रहे हैं, और किसके मुख से सुन रहे हैं। देखो जगत में हर प्रकार के लोग हैं जो कथा को करते हैं, कीर्तन को करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जो भगवत कृपा से अलग उनकी खुद की कृपा के लिए होगा। लेकिन देखो हमारे बीच महाराज जी बैठे ना, ये सिर्फ इस एटा में नहीं आए हैं, आप ऐसा नहीं सोचना। आपको एग्जाम्पल से लग रहा होगा यहाँ पर कौन बैठे, रशियन, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ के जाना चाहते हैं, जिस कंट्री में एंटर करना चाहते हैं, वहां के लोग भगवान जी के, महाराज जी के डिसाइपल शिष्य सब भगवान महाराज जी के। और यही नहीं, महाराज जी ऑस्ट्रेलिया भी एक महीने रह के आए, रशिया रह के आए, लेकिन जब आप इनके पास आएंगे, इनसे बात करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि महाराज जी कभी विदेश गए भी होंगे। इतनी सरलता है, भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, जिससे मिलते हैं पूर्ण सरल भाव से मिलते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई एक जना विदेश चला जाए ना, तो पक्का उस मोहल्ले में चर्चा हो जाएगा विदेश से, और 10 बार कहेंगे तो वहां गया था मैंने ये देखा था। लेकिन कभी भी भगवान का जो शुद्ध भक्त होगा ना, वो कभी इस चीज को बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उनका काम क्या है, जो कह रहे हैं वही खुद करेंगे। नाम करने को आपको कह रहे हैं, खुद भी नाम करते हैं, खुद भगवान की कथा बोलने के लिए कह रहे हैं, खुद भी कथा ही बोलते हैं। इसके अलावा भगवान की चर्चा के अलावा एक क्षण भी इनको कोई आराम नहीं, सिर्फ हर समय भगवान का नाम। ऐसा कौन करता है, भगवान के शुद्ध भक्ति ऐसा करते हैं जैसे हनुमान जी महाराज, वो हर समय क्या करते हैं, भगवान राम का नाम करते निरंतर। तो महाराज जी आपके बीच में है, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जिसको अपने जीवन में जो सच में निराश्रित स्थिति में हो चुका है कि मेरा जीवन अब किसी स्थिति में नहीं है, और अब मेरा कोई प्रेम करने वाला, कोई सहारा देने वाला, कोई मेरा अपना नहीं है, तो उसके लिए सबके लिए कौन है, सबके स्वामी भगवान स्वयं है। तो भगवान की शरणागति में आओगे फिर किसी का सहारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो भगवान की शरण में नहीं आता ना, उसको पूरे जगत में किसी ना किसी का सहारा ढूंढना ही पड़ता है। 5 मिनट का समय दिया महाराज जी ने, इनको विश्राम करना पड़ेगा, नहीं तो एक छोटी सी चीज थी मैं बोल देता उसको। पर आपके बीच में महाराज जी हैं, आप सबके पास मौका है। शायद कल सुबह महाराज जी हरि नाम देंगे। हरि नाम का मतलब है भगवान के नाम को किसी भक्त के द्वारा लेने पर वो पूर्ण रूप से सिद्ध होता है, और जब किसी भक्त के मुखारविंद से लोगे तो उसकी गारंटी है वो काम करेगा ही करेगा। वैसे भगवान का नाम करता ही है, लेकिन वाल्मीकि के लिए भी तभी काम किया जब श्री नारद जी से उन्होंने कहा। नारद जी ने अपने मुंह से कहा ना, क्या बोलो, बोले राम बोलो। बोले राम कैसे बोलूंगा, जीवन में इतना पाप किया, मरा मरा बोलना पड़ा। तो बोले कोई बात नहीं, मरा मरा बोलो। गुरु ने कह दिया मरा मरा बोलो, तो मरा 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 राम कहते हैं, राम राम बोला। और सिर्फ राम ही नहीं बोला, भगवान राम के आने से पहले रामायण की रचना कर दी कि भगवान राम आएंगे, ऐसे जन्म होगा, ऐसे किससे हुआ, गुरु कृपा से हुआ, सदगुरु की कृपा से हुआ, और गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप सबके बीच में महाराज जी हैं, इनसे नाम ग्रहण करें, भगवान के नाम का आश्रय लें। जीवन में कोई भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन ये मैं दृढ़ विश्वास से कहता हूं, जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, समय आपका खराब होगा, पूरा जगत आपका साथ छोड़ सकता है। जब माँ के गर्भ में भगवान ने साथ नहीं छोड़ा तो यहाँ पर क्या छोड़ेंगे, कोई जगत की विपत्ति में साथ क्या छोड़ेंगे, भगवान जब दयालु तो कहीं है ही नहीं। अरे जो पूतना भगवान को, अभी महाराज जी कथा कहेंगे, जो पूतना भगवान को अपना विष पिलाने के लिए आई, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उसको भी अपनी माँ की गति दे दी, इतना कृपालु अगर कोई है तो उसके पास चले जाओ। मुझे नहीं लगा जगत में कोई किसी को मारने जाए और वो उसको भी अपनी माँ बना दे, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो अगर इस जगत में लोगों का ऐसा कोई सहारा है तो उनके पास जाए, और नहीं तो फिर भगवान की शरणागति में बिना किसी निसंकोच के आए और जीवन में भगवान का नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन को आनंद से बिताए। वांछा कल्पतरुर वश्च कृपा सिंधु भयेच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ब्लेस वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण। अभी आप लोगों ने श्रवण कर रहे थे भगवत नाम की महिमा और कृष्ण कैसे गोकुल में प्रभु जन्म लिए। अभी कंस को जब पता चला मेरा काल कहीं जन्म ले लिया, इतने में कंस पुतना को भेज दी और पुतना बड़ी सुंदरी बन करके वो सीधा गोकुल में आ गई। और इतने सुंदरी बनी हुई थी लग रहा था मानो भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं स्वागत करने के लिए पहुंच गई। इतने सुंदरी बन रही थी और सीधा नंद भवन में गई और मैया यशोदा कृष्ण को पल्ले में झुला रही थी और सीधा कृष्ण को उसने पकड़ लिए। बोले मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते ही, उसको तो गोद में लेकर के प्यार देनी चाहिए। जब उन्हें भगवान की गोद में उठाए इतने में भगवान ने आंख बंद कर दी। बोले भगवान आंख क्यों बंद की? बोले हमारे टीकाकारों ने 5 कारण बताए कृष्ण आंख बताया। पहला कारण है बोले तू ऊपर तो माँ रूप उदाहरण करके आए लेकिन अंदर में काल चहर स्तन में लेकर के आई। तू कपटी हो इसलिए कपटी व्यक्ति का मैं मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए भगवान आग बंद किए। दूसरा कारण बताए बोले तुम आई हो मेरे को मारने के लिए लेकिन मैं क्यों आया हूँ? मेरे दुष्टों बिना संतों को रक्षा करने के लिए आया हूँ। अभी तुम ऊपर में तो माँ के रूप लेकर के आई लेकिन अभी मैं तेरे को मारूंगा, अभी तो रोगे। फिर ये रोना कैसे मैं देख सकता हूँ जो माँ बन करके आई, इसलिए भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर दी। तीसरा कारण बताए बोले ये गोकुल में जितने सब सखा सखियां वो मेरे सखा सखी है, इन बच्चों को मारने के लिए आई हो इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। चौथा कारण बताए ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा तपस्या की ये मेरे को गोद में उठा रही है? बोले क्यों? बोले जनामा मोनी जाता ना कराए ध्वंस हो जाएगा, इसलिए सारे ब्रह्मांड लोग भगवान को पुकार रहे बोले प्रभु ये पुतना स्तन में जल कालकुट जहर लेकर के आई, स्तन में दूध है ही नहीं, अगर आप ये स्तन पान करोगे ना आपका गर्भ में विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, प्रभु आप मत पान करो। इतने में भगवान कृष्ण आंख बंद करके श्री भोले बाबा को याद कर रहे थे। बोले भोले बाबा जल्दी आ जाओ। बोले कहा बात है? बोले कहा बात किया? तुम्हारा काम है 20 पीना और मेरा काम है 2 पीना। इतने में भगवान जब उसको प्राण को शोषण की पुतना ने छुड़ाने के लिए कोशिश की, भगवान बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता ही नहीं, अगर एक बार पकड़ लो ना मेरे को छोड़ना कभी नहीं आता। इसलिए पुतना अभी सोच रही है अगर मथुरा में ले जाऊ ना भैया कंस कुछ करेगा। इतने में पुतना अपना भयंकर रूप धारण की और आकाश में उड़ चली। बोले तू कहाँ जा रही हो? तेरे को मथुरा में जाने नहीं दूंगा।
एक सुंदर कंसा का बगीचा था, बड़ा सुंदर, जिसमें फल फूल में भरा पड़ा हुआ था। लेकिन कंस का निर्देश था कि ये बगीचा की कोई भी फल फूल कृष्ण सेवा और उनको ब्रजवासियों की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। मैं और मेरे अनुयायी जितने हैं इनकी सेवा में लगनी चाहिए। कृष्ण बोले तारी के सारा दुनिया मैंने बनाया और मेरे को और मेरे भक्त को नहीं मिलेगा। दिखाता उन्होंने पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गए। ब्रजवासियों का कोई चीज खत्म नहीं हुई। बोले पुतना कितने बड़ी थी, बोले त्री गुदी, मतलब 8 मील लंबा लंबी और चौड़ा। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं वो इतने बड़ी थी, जहां पर उसका हाथ गिरा ना उसका नाम हो गया हाथरस, जहां पर उसका मूड गिरा उसका नाम हो गया मूर्सान, जहां पर अलंकार गिरा उसका नाम हो गया आलीगढ़, जहां पर उसका घर शरीर गिरा उसका नाम हो गया आगरा। मतलब इतनी लंबी चौड़ी बड़ी थी। और उसको लेकर के जो बगीचा थी ना, सबसे प्यारी बगीचा, और उन्होंने पुतना को लेकर के वहीं पर धराम करके गिराया और जितने पेड़ पौधा फूल को नष्ट कर दिया। हाँ देखो, अभी ध्यान देकर सुना, हमारे टीकाकार लोग उसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं। उन्होंने पुतना को वहीं पर क्यों गिराया, ये ब्रजवासियों का कोई चीज खत्म नहीं हुआ उसी बगीचा में क्यों गिराया। बोले कारण है वो बगीचा में जितने फल फूल था ना वो कंस का था, और उसका आदेश था यहाँ का कोई भी फल फूल कृष्ण और कृष्ण सेवा में भक्तों का सेवा में नहीं लगनी चाहिए। सब मेरे और मेरे अनुयायी जितने हैं उनको राक्षसों को मिलनी चाहिए। भगवान ने बोले दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा है और मेरे भक्त सेवा में नहीं, और सब दुष्ट लोग आएंगे। अब ये दिखाता हूँ, इसलिए मैं पुतना को उड़ा करने लिए और वहीं पर गिरा करके सब सत्यानाश कर दिए। टीकाकार लोग कहते हैं देखो, घर में जो कुछ बनता है, घर में जो कुछ आप खाना, तो देखो आप लोग 7 दिन की कथा सुनो। अभी मैं 2 मिनट में जो बात बताता ना, इतना बात अपना घर में लेकर के जाओ, कम से कम इतना बात आप घर में लेकर जाओगे ना, घर में इतने शांति और बड़ा सुखी रहोगे। केवल इतनी सी बात लेकर के जाओ, घर में जो खाना बनती है सबसे पहले घर में गोपाल जी होंगे, घर में ठाकुर राम होंगे, नहीं तो नारायण होंगे, पहले उनको सामने रख, तुलसी बता दो और ठाकुर जी को भोग लगा, इतना कम से कम करना। ये कृष्ण गीता में कहते हैं बोले प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। बोले हे अर्जुन, जो लोग मेरे को भोग लगा कर खाते हैं कभी उनका जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। बोले प्रसादे सर्व दुखानां, मेरे प्रसाद ग्रहण करने से उसको सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाता है। हम कहते ना प्रसाद दो, प्रसाद मतलब क्या, आशीर्वाद, प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए आप लोग सबके सब भगवान को भोग लगा करके खाना, अगर भोग नहीं लगाओगे ना फिर पुतना आ जाएगी, वो घर में फिर पुतना आ जाएगी उठ करके। क्यों, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हो। इसलिए कृष्ण गीता में दूसरी श्लोक में कहते हैं बोले भुंजन्ते तो अघम पापा जे पचंती आत्म कारणात्। बोले हे अर्जुन, जो लोग अपना लिए खाना बना करके मेरे को भोग लगाए बगैर खाना खाते हैं, बोले वो क्या खाते हैं, बोले भुंजन्ते तो अघम, कहते वो केवल पाप भोजन करते हैं। ये मनुसंहिता कहता है जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, बोले स्वान भिष्टा समाचार, वो जो अन्न दाल सब्जी है वो दाल सब्जी नहीं, बोले स्वान भिष्टा, बोले कुत्ते का भिष्टा के बराबर जो भगवान की भोग में नहीं लगाता, ये मनुष्य का कहता है। और उपनिषद क्या कहता है, बोले इसम सर्पम जर किंचा जगत क्या जगत, बोले ये जगत में जो कुछ देख रहे हो ये सब के सब मेरा जगत, मैं नहीं बनाया। क्या करो, तेना तेक्तन भुंजिता, उनको दे करके उनकी प्रसाद रूप में स्वीकार करो, ये उपनिषद कहता है। देखो भगवान को भोग लगाने का कितना पुण्य, देखो हम लोगों ने
देखे होंगे टीवी में कृष्ण लीला देखे होंगे। एक दिन कृष्ण सुदामा जब गुरुकुल में गए थे, उनको गुरु माता सुदामा जी को कुछ चाना दिया। बोले सुदामा ये चाना को कृष्ण को दे करके खाना, अब टीवी में देखे होंगे। लेकिन सुदामा ने किया क्या, बारिश ही हो रही थी और उसने कृष्ण को दिए बगैर उसने चाना खा लिया। कृष्ण तो सब जानते हैं, बोले तेरे का इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सुदामा जी बड़ी दरिद्र बने, बड़ा दरिद्र और बड़े दुख उठाए। क्यों? भगवान को बिना दिए छुपा के खा लिया। फिर धनी का बने। जब उसकी पत्नी सुशीला को पता चला इनका बचपन का जो दोस्त है वो द्वारका अधीश है, बोले एक बार तुम्हारे दोस्त के पास में जाओ, तुम्हारी दरिद्रता को देख करके ठाकुर जी कृपा करेंगे। बोले देखो सुशीला, खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ ले करके जानी चाहिए। सुशीला ने दो मोटी चिड़वा भिक्षा मांग करके लाया, लेकिन प्रभु जी ठार बार देख करके बोले भगवान को ये सूखा चिड़वा के साथ ठाकुर का पेट खराब हो जाएगा। लेकिन ठाकुर ने सब कुछ पता, बोले भाभी ने कुछ दिया नहीं, बोले नहीं, बोले ये बगल क्या दबा करके रखे, बोले नहीं, भगवान जोर जबरदस्ती खींच लिए, पोटली को खोले, एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे रुक्मणी हाथ पकड़ी, बोले प्रभु नहीं, अपने दो मुट्ठी चिड़वा खाए तो उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य उसको घर में पहुंच गया, अगर आप तीसरे मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ उसको घर में मेरे को दासी बनना पड़ेगा। सुदामा जब घर में आया, सोने की राज महल बनी हुई, सुशीला इतने सुंदर राजकुमारी बनी हुई थी, पत्नी को देख करके पहचान नहीं पा रही थी। उसने आरती उतारने के लिए सुदामा जी को आए, सुदामा पीछे पीछे हट रहा था, बोली ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है। सुशीला बोली तो मेरे को पहचान नहीं रहे हो, बोले तू है कौन, बोले आपका मैं तो वही सुशीला हूँ, बोले ये क्या, बोले भगवान के लिए दो मोटी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर को दिया ना, ठाकुर ये सारे राज ऐश्वर्य दे दिए। देखो ठाकुर को खिला करके खाने का कितने महत्व है। इसलिए हम कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। आप लोग ये काम करके अपना घर में देखो, जिनके घर में कोई दुख कष्ट नहीं जा रहे हैं, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, अपना घर में जो खाना बनाते हो अच्छे तरह से ठाकुर को तुलसी पत्ता से भोग लगवाओ और बच्चों को पति को खिलाओ, स्वयं खाओ, वो घर में थोड़ा हरी कीर्तन करो, इतना ही करो घर में। अगर ढोलकी बज रहा है अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं होना, भगवान ने ये हाथ दिए हैं, हाथ में थोड़ा ताली जाते हुए घर में थोड़ी सी कीर्तन करो, आप देखना घर का जितने तुम्हारी दुख कष्ट है केवल यही दो काम आप कर लो, सारे दुख कष्ट तुम्हारी घर से चली जाएगी, सारी दुख कष्ट। ठीक है, आप लोग करोगे बताओ, कौन कौन ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे, खाओगे ना, अच्छी बात है। लेकिन एक दिक्कत जानते हो, अगर आपने प्याज लहसुन डालोगे ना फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, ये एक दिक्कत है। लेकिन आप कोशिश करना ये प्याज लहसुन को ग्रहण नहीं करने के लिए। कल मैंने आपको ये विषय पर बताया था कि राक्षस था हड्डी और मांस और खून से ये प्याज लहसुन और मसूर दाल बना, और गैया की मांस और हड्डी उसके खून से ये प्याज लहसुन बनाए। इसलिए ये दो चीज को देखना, कहीं ठाकुर जी की भोग में नहीं लगाते हैं। आप लोग नवरात्रि में 9 दिन तक व्रत रखती हो, नवरात्रि में भी ये चीज को कोई ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, भैया प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आएगा, नहीं, हर सब्जी दाल का एक अलग स्वाद है, इसका एक अलग स्वाद है, हैं? लेकिन जब उसमें प्याज लहसुन डालते हैं ना वो सारे स्वाद तक खत्म, उसमें प्याज की बदबू बदबू आ जाता है, उसमें प्याज की बदबू आ जाती है। देख लेना, जैसे रोज घर में खाना बनती है, रोज घर कोई तिथि तिवार आ जाए, जब उसमें खाना बनकर के ठाकुर जी को भोग लगता है, आप देख लेना हर दिन तक खाना खाते हो, उसी दिन खाना खा करके देखना उसमें अलग स्वाद आती है, आती की नहीं, आती की नहीं, अलग स्वाद आती है, चुके भगवान की भोग में लगा।
इसलिए अगर आप ठाकुर जी को भोग लगाकर खाओगी उसमें जो स्वाद मिलेगा ना वो प्याज लहसुन में स्वाद नहीं मिलेगी हैं। इसलिए और इसको खाने से बुद्धि तामस की बन जाती है और तामस की बुद्धि से प्रभु का भजन नहीं कर सकते हो। इसलिए कहते हैं जैसे खाओगे अर्था वैसे मिलेगा मन। इसलिए कोशिश करना ये प्याज लहसुन को त्याग देने के लिए शुद्ध रूप में बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, सबको घर में खिलाओ, घर में परम शांति और परम सुख आएगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जब पुतना को उनका शरीर जलाया गया उसको शरीर से कर्पूर अगुर चंदन की खुशबू आई। बोले क्यों ठाकुर जी उसकी स्तन को भगवान ने पान किया है। इसलिए कृष्ण सबसे पहले पुतना को क्यों मारे और भगवान सबसे पहले किसको मारे कोई बता सकते हो? भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? बोलो कौन बोलेगा हाथ उठाओ किसको मारे। हाँ देखो दोनों प्रभु करी करी एक ही लीला की। ये पुतना का मतलब किया बोले पुत मतलब पवित्र, ना मतलब जो पवित्र नहीं अपवित्र पाप है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं अगर कोई मुझे अपना हृदय में बैठना चाहते हो पहले ये अपवित्र ये पुतना को पहले मारो। पुतना ये तीन अक्षर है। बोले भगवान राम किसको मारे? बोले ता ये भी तीन अक्षर है। बोले ताड़ का मतलब क्या? बोले ताड़ यति इति ताड़का जीव को जो भगाता है। हमें तो कौन भगा रहा है? काम क्रोध लोभ मोह यही संसार में भगा रहा है। इसलिए भगवान सबसे पहले ये तारका कुमारी। इसलिए ये पुतना भी स्त्री बोले तारका भी स्त्री। इसलिए प्रभु माना दोनों प्रभु एक ही लीला करके हमें शिक्षा देते हैं मेरे मेरे को हृदय में बैठना तो पहले ये तारका को पहले सबसे पहले ये तारका को मारनी चाहिए। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण राम लक्ष्मण सीता बनाए बने ना बने कि नहीं बन गए। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को अपना गोद में सुला रही थप थप लगा करके राम कथा सुना रही थी। बोले कन्हैया दशरथ रथरथ नाम के राजा थे कृष्ण को सुला रही थप थप लगा कर रोली सुना रही। कृष्ण बोले बोले घर में तो सारे सुख थी लेकिन घर में एक चीज की कमी थी घर में कोई संतान नहीं थे। इसलिए दशरथ महाराज बड़े दुखी थे। एक दिन दशरथ महाराज उनका नाम था दशरथ। दशरथ मतलब क्या? दस दिशाओं में जिनकी रथ चलती थी। इतने प्रतापी दशरथ महाराज थे। नियम है स अश्वमेध यज्ञ कोई करे ना फिर इंद्र सिंहासन में बैठ सकता है लेकिन जब दशरथ महाराज स्वर्ग में जाते थे इंद्र स्वयं अपना आधा आसन दशरथ महाराज को देते थे और स्वर्ग के पारिजात पुष्प से एक उनको गला में माला पहनाया करते थे। दशरथ महाराज जब स्वर्ग से वापस आते थे वो फूल की माला ले आते थे और पत्नियों को दिखाया करते थे देखो मैं स्वर्ग गया था स्वर्ग से ये माला लेकर के आया हूँ। एक दिन दशरथ महाराज गए स्वर्ग में उनकी गला में माला पहनाया बड़े प्रसन्न हो गए बड़े प्रसन्न हो गए। जिसे गले से माला उतार कर रख देते ना उन्होंने गले से माला उतार करके सिंहासन में रख दी और वो आते समय वो भूल गए माला लाना। जब थोड़ी दूर आए इतने में याद आया अरे माला तो मैंने भूल गया घर में जाने पर मेरे को पूछेंगे पत्नियां माला लाए कि नहीं। इसलिए उन्होंने फिर वापस गए। जब वापस गए देखा जिस सिंहासन के ऊपर उन्होंने फूलों की माला रखे थे ना वो स्थान को धुलाई कर रहे थे। दशरथ महाराज पूछा भैया ये क्या बात है मैं जहाँ बैठा था उसको धुलाई क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी आप बुरा मत मानना आपका संतान नहीं ना इसलिए ये स्थान अपवित्र हो गया था इसलिए हम इसको धुलाई कर रहे हैं। दशरथ महाराज इतने दुखी हुए मेरा नाम ही दशरथ है आधा इंद्र सिंहासन में बैठता हूँ इन संतान ही वजह से जहाँ पर बैठ गया अपवित्र हो गया उसका। इसलिए उन्होंने वापस आए अपना वशिष्ठ जी को बुलाया बोले गुरु जी
एक पुत्रष्ट यज्ञ कराओ, मैं चाहता हूँ मेरे संतान हो। पुत्रष्ट यज्ञ करवाए तो इससे खीर बना करके तीनों रानी को उन्होंने खिला दिया और उपयुक्त समय होने पर तीनों रानी ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने चार संतान को उन्होंने जन्म दिया। बस रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यादारी अद्भुत रूप दशरथ महाराज को आप कृपा करके आप दो बेटे राम और लक्ष्मण को दो। हम लोग जब यज्ञ करते हैं ये राक्षस लोग यज्ञ करने नहीं देते। मैं स्वयं अपना शक्ति से मार सकता हूँ लेकिन यज्ञ को बीच में क्रोध आने पर यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ इसका जस प्रभु राम और लक्ष्मण को मिले। तो उन्होंने राम लक्ष्मण दोनों को लेकर गए। जब गए बीच में है? बीच में उन्होंने श्री तारका को बंद किया। तारका को बंद करके अपना आश्रम पर ले गए। बोले गुरुजी आप कोई चिंता मत करो, आप यज्ञ प्रारंभ करो। जब यज्ञ प्रारंभ की इतने में वही पर रुके, इतने में यज्ञ कर रहे थे जब राक्षस लोग आए। राम और लक्ष्मण उन्होंने सबको बाणों से उन्होंने मार करके वहां से उड़ा दिया। वहां से जब वो यज्ञ पूरी हो गई
विश्वामित्र जी बोले, बलराम तुम तो यहाँ पर एक यज्ञ की हो और एक यज्ञ ये मिथिलापुरी में भी हो रही है, वो यज्ञ को तुम्हें ही पूरी करना पड़ेगा। जब राम लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी को साथ में गए रास्ता में, माता अहल्या गौतम ऋषि के अभिशाप से पत्थर बनी हुई थी। भगवान राम जब अहल्या को उद्धार करने के लिए जा रहे थे, चरण स्पर्श करने के लिए जा रहे थे, इतने में भगवान राम तो डर गए। बोले क्यों? बोले यहाँ तो बहुत बड़ा जो परीक्षा है। बोले क्या परीक्षा? बोले मेरा भक्त प्रह्लाद ने पत्थर को बीच से मेरे को प्रकट कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ। बोले ये खंभे में मिट्टिया है। बोले मेरे को तो दिख रहा है, प्रभु बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप एक मुष्टि का घात प्रहार किया तो वो खंभ फाट गया और स्वयं भगवान नरसिंह देव गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल भगवान की जय हो। नरसिंहदेव साक्षात प्रकट हो गए, इसलिए प्रभु राम सोच रहे हैं मेरा भक्त तो मेरे को पत्थर को बीच से प्रकट कर दिया, अभी मेरी परीक्षा पत्थर से अभी मुझे भक्त प्रकट करना पड़ेगा, अगर भक्त प्रकट नहीं हुआ तो मेरी बदनामी हो जाएगी। इतने में भगवान राम डरते हुए जब उन्होंने पत्थर को ऊपर चरण रखे, इतने में स्वयं श्री अहल्या माता की उधार हुई। बोले अहल्या देवी की जय हो। फिर विश्वामित्र को साथ में प्रभु राम लक्ष्मण पहुंचे जनकपुर में। जब जनकपुर में पहुंचे, पहले जनक महाराज पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते थे, लेकिन जब भगवान राम को उन्होंने जब दर्शन की ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें ही बिलो आती हार सीता प्रभु पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं उनके हाथों में समर्पित हो रहे थे। प्रभु तो खिले हुए फूल को चुन चुन करके चयन कर रहे थे, लेकिन जो अधखिले कलियां थी ना, वो पीछे पीछे रो रहे थे। लक्ष्मण पीछे पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण जी पूछे, बोले भैया क्यों रो रहे हो? बोले रोएंगे नहीं क्या, हंसेंगे? अगर आज हम खिले हुए होते तो प्रभु राम हमें स्वीकार करते, लेकिन देखो हम अधखिले कली है, प्रभु हमें स्वीकार नहीं कर रहे। लक्ष्मण बोले चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं तुमको प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। लक्ष्मण जी ने जो अधखिले कली को उन्होंने तोड़ना प्रारंभ की। बोले प्रभु मेरे मन में इच्छा है ये निकुंज में बैठा करके आपको अपना हाथों से श्रृंगार करो। प्रभु बोले कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी प्रभु को चोटी में
जो अतिथि ले कर लिया है ना उनको सुंदर श्रृंगार करते हैं। देखो टीकाकार लोग कहते हैं जो खिले हुए फूल कहाँ पर है, कहते प्रभु को हाथों में। बोले अतिथि ले कलिया कहाँ पर है, बोले ठाकुर को चोटी में। बोले इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है भले ही अगर हम खिले क्यों नहीं हो, अगर श्री गुरु जी की शरण में नहीं जाएंगे ना फिर ठाकुर को सेवा में नहीं लग सकते। कहते लक्ष्मण कौन है, बोले गुरु जी। ये गुरु जी लक्ष्मण है, अगर गुरु जी की शरण में जाएंगे तो वो अधिकिले होने पर भी, अधिकिले मतलब भले ही हमारे अंदर में कोई गुण नहीं पर गुरु जी हमें क्या करेंगे, ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे गुरु जी। अभी वो ठाकुर जी की चोटी में वो फूल है, इतने में वहां पर मैया सीता भी गौरी पूजा करने के लिए आई थी। भगवान राम भी जीवन में पहला बार माता सीता को दर्शन की और माता सीता ने प्रभु राम को दर्शन किए, दोनों को पहचान गए, दोनों को पहचान गए ये मेरे प्रभु और ये मेरे शक्ति है। जब उन्हें वापस आए श्री जनक महाराज की प्रतिज्ञा है ये धनुष को उठा करके उसमें जो प्रत्यंत चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए थे, कहते वहां रावण भी आया हुआ था, उसने भी कोशिश की लेकिन हाथ धनुष को नीचे फंस गया, एक बार को वो निकाल नहीं पाया। जिस 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते थे, 400 व्यक्ति। फिर जनक महाराज ने इसे प्रतिज्ञा की, एक समय सीता जी गेंद खेल रही थी, वो गेंद खेलते खेलते उसका जो गेंद थी वो धनुष को नीचे कैसे फंस गया। मैया सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा लिया और उसको नीचे से गेंद को निकाल लिया। जनक महाराज बोले हे भगवान, जिस धनुष को 400 व्यक्ति उठाते हैं मेरी बेटी एक हाथ से उठाकर गेंद निकालती, फिर मेरी लड़की कोई साधारण नहीं, ये जगदम्बा जगत जननी स्वयं ये माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी को तो नारायण शादी कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की ये धनुष को नारायण शिवाय इसको कोई उठा नहीं सकता, केवल नारायण ही उठा सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने राम को दर्शन किया ना उनको पता चल गया ये राम साधारण नहीं, ये राम साक्षात श्री नारायण। क्यों, राम को दर्शन करते हुए उनके हृदय में जो ब्रह्म सुख था वो ब्रह्म सुख अपने आप खत्म हो गया, इसलिए वो समझ गए थे राम ब्रह्म नहीं, राम कौन है, ये परम ब्रह्म भगवान स्वयं। सब लोग वहां उठा रहे थे, कोई उठा नहीं जा पाए, लेकिन दशरथ महाराज को पता है उठाएगा कौन, राम ही उठा सकता है और कोई नहीं। लेकिन जो उठाएगा वो तो चुपचाप बैठा हुआ, और जो नहीं उठा पाएगा ना वही कोशिश कर रहा है। राम जनक महाराज को पता है यही उठाने वाले, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहते भैया ये डंडा के समान कौन है, बोले राम है। श्री लक्ष्मण है, अरे झंडा का समान कौन, बोले श्री राम है। बोले झंडा कहाँ रहता है, बोले डंडे के ऊपर में झंडा रहता है, पहले डंडे को उठाओ फिर झंडा उठेगा, मतलब पहले लक्ष्मण को उठाओ फिर राम उठेगा। इतने में जनक महाराज पहुंची, कड़ी वचन बोलती, लगता है ये पृथ्वी भी शून्य हो गया, जिस धनुष को मेरी बेटी एक हाथ से उठा लेती है यहाँ पर इतने सारे राजा कोई दस मस्तक भी नहीं कर पाए। जब उन्होंने बोले, इतना बोले पृथ्वी वीर शून्य हो गया, वहां पर लक्ष्मण बैठे हुए थे, लक्ष्मण को इतना क्रोध आया, लक्ष्मण तमतमात हुए खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी बात पृथ्वी वीर शून्य हो गया, हमको पता नहीं यहाँ पर बैठे कौन है, मेरे स्वयं प्रभु बैठे हैं जिनकी एक एक रोमावली में एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान। हम तो बचपन में कितने ऐसे धनुष को खेलते खेलते हमने तोड़ डाले, हाँ ये तो एक भूसा जैसी ये धनुष गले सड़े धनुष है, ये धनुष को क्या बात, मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपना सर पर धारण करता हूँ। क्यों, लक्ष्मण सख्यात अनंत नाग है, ये ब्रह्मांड जिनके सर के ऊपर में है। जब उन्हें बड़े क्रोधित हो गए, भगवान राम बोले लक्ष्मण चुप बैठ,
मेरे को पता तू संख्या धरे धरे संख्या आनंद दे। अगर तू ये धनुष को तोड़ोगे तो जो तोड़ेगा उसको साथ में शादी होगी, अगर तू तोड़ोगे तो फिर मेरी क्या होगी बता। चुप बैठिया, यहाँ पर गुरु जी बैठे ना, गुरु जी का आदेश देते हो। श्री विश्वामित्र जी बोले राम जाओ बेटा, जनक महाराज का हृदय में जो ताप उसको दूर करो। गुरु जी की आदेश पा करके भगवान राम धीरे 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 आगे चल रहे। सामने माता जानकी खड़ी हुई वरमाला लेकर के। अभी मैया जानकी तो प्राण त्याग करने जा रही थी, बोले क्यों, बोले इतने बड़े धनुष को क्या राम उठा पाएंगे। बोले क्यों मन में सकता, बोले भगवान राम जब सवेरे पुष्प चयन करने गए थे वो मीठी मीठी हवा बह रही थी, राम फूल चयन नहीं कर रहे थे, फूल स्वयं इनके हाथ में समर्पित तो हो रहा था, तब भी इनके शरीर में पसीना बह रहा था। इतने प्रभु कोमल है और इतने बड़े धनुष को क्या उठा पाएंगे, अगर हम प्रभु नहीं उठा पाएंगे फिर मेरी क्या होगी। इतने में तो मैया सीता प्राण त्याग करने जा रहे थे, भगवान राम ने देखा कहा वर्षा जब कृषि सुखाई, धनुष क्यों उठाने जा रहा हूँ सीता के लिए, अगर धनुष उठाने पहले अगर मर गई फिर धनुष उठा कर क्या लाभ है। अभी उन्होंने सीता की भावना को समझते हुए प्रभु राम बड़ी जल्दी जल्दी आगे गए और देखते देखते उन्होंने उठा पकड़े धनुष को और उठाया। जब उन्होंने प्रतंजा चढ़ाने के लिए जा रहे थे धनुष एकदम दो टुकड़ा, इतने में श्री जनक महाराज जी को इतना प्रसन्नता हुई। जनक महाराज बोले सुन है ना, जल्दी जल्दी सीता को लेकर गया हो, जल्दी जल्दी सीता को लेकर गया हो। अभी सुनैना सीता को लेकर के वरमाला पहनाने के लिए आ रही, ले ले आओ। गुरु श्यामर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को चेहरा जय Yeah.
श्री रघुपर मोहल कमल नयन को सीता की जो सखियां थी ना प्रभु राम की कान में धीरे धीरे बोले बोले थोड़ा सर को झुका दो ना। राम बोले क्या सर झुका दो, मुझे पता है मैं कौन हूँ। बोले रघु कुल रीति सदा चली आई प्राण जाए भरो बचन न जाए दशरथ महाराज का लाला मैं हूँ जिनकी दस दिशाओं में रथ चलता है। अभी शादी वादी कुछ हुई नहीं, बोले सर झुका दो भैया, हम तो किसी चरण में सर झुका नहीं सकते हैं। इतने में जो सखियां थी ना लक्ष्मण को कानों में धीरे धीरे बताई, बोले लक्ष्मण अगर तू हमारा एक काम कर दोगे ना हम भी तेरा काम कर देंगे। लक्ष्मण बोले बताओ क्या काम करना पड़ेगा। बोले देखो ये सीता जितने सुंदरी है जिनकी एक छोटी बहन है उर्मिला है वो भी काम सुंदरी नहीं वो भी बड़ी सुंदरी है, तुम्हारा भी हम काम करा देंगे तेरा शादी करा देंगे। लक्ष्मण बोले भैया अगर ऐसे हो ना फिर तो कुछ करना पड़ेगा। इतने में राम बोले लक्ष्मण तू कुछ कर क्योंकि तेरे भाभी देख रहे हो कैसे फूल माला लग रही खड़ी हुई। बोले प्रभु मैं क्या करूंगा, मैं पृथ्वी हूँ, पृथ्वी तो दो टुकड़ा है ही नहीं, जो कि मैं ऊंचा करूँ तो दोनों ही ऊंचा हो जाओगे, मैं नीचा करूंगा तो दोनों ही नीचा हो जाओगे। बोले अरे कुछ तो कर, अभी प्रभु की भावना समझते हुए लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी राम का चरण में सर झुकाए। लक्ष्मण राम का चरण में प्रणाम किया, जब प्रणाम करेगा अभी प्रभु को तो उठाना पड़ेगा है? जब भगवान प्रभु उन्होंने लक्ष्मण को उठाने के लिए गए ना इनका सर हो गया नीचा, नीचा हो गया तो प्रभु राम नीचा सर करो नीचा कर राम सर नीचा कर। इतने में मैया सीता ने उनको गले में हरि बोल सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम सियावर रघुवर जी के संग पर लगे हरे हरि बोल
चार भाइयों के पास में, मतलब देखो तुम चार ही भाई हो,
ये तुम्हारी चार बहू है। बोले राम तुम अपना पत्नी को छांट लो, चार भाइयों चार ही बहुओं को छांट लो। श्री रामचंद्र को सावधान कर दिया, देखो छोटे भाइयों का जो बहू है वो बेटी के बराबर है, अगर तू अपना बहू को नहीं छांट करके अगर छोटे भाइयों को बहू को तू अपना बहू बनाए ना, बोलोगे तो बेटी को बहू बनाना कितना बड़ा पाप तेरे को पता होगा। बोले देखो लक्ष्मण शत्रु तीनों भाई, बोले बड़े भाई का जो बहू है माँ के बराबर है, इसलिए अपना बहू को ही छांटना, दूसरे बहू को नहीं, नहीं तो माँ को अपना बहू बनाना। लो चार भाई और चार बहू है, अपना अपना बहुओं को छांट लो, चार भैया को तो पसीना पसीना निकलेगा। अभी तक तुम देखे नहीं कौन सीता कौन उर्मिला कौन मांडवी सुतकृतक, तो देखे ही नहीं, और सालियां तो हसी दिल की करती हैं। बोले बोलो कि कौन किसका पत्नी है। राम बहुत सोच सोच करके बोले बोले ये मेरी भी पत्नी है, एकदम सीता को छान ली, और चारों को चार घूंघट बड़े घूंघट निकाल कर रखी। भरत को बोले बताओ तेरे बहू कौन है, वो अपना ठीक बहू को छांट लिया। लक्ष्मण को बोले तेरे बहू कौन है, लक्ष्मण अपना बहू को छांट लिया। शत्रुघ्न को बोले तेरी बहू कौन है, वो भी अपना बहू को छांट लिया। सालिया तो आश्चर्य में पड़ गई, बोले अभी तक तो कोई किसी बहू को देखा नहीं, इनको पता कैसे चला। इतने सालियों ने पूछा राम को, राम ये बताओ तुम कैसे पता चला ये तुम्हारी बहू। बोले देखो मैंने सीता को दो बार देखा है, जब मैंने पुष्प चयन करने गया था तभी मैंने सीता को देखा, जब सीता मेरे गले में माला डाल रही थी तभी भी मैंने देखा, इसलिए मैंने अपना सीता को दो बार देख लिया था, इसलिए मेरे को पता चल गया मेरी सीता का। बोले ये बात। बोले हाँ। बोले भारत जी को बोले बोले तेरे को कैसे पता चला ये तुम्हारी बहू। बोले देखो मैं कोई भी काम करता हूँ प्रभु राम का चरण को चिंतन करते हुए करता हूँ, हर एक काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, इसलिए मैं अपना बहू को मैंने ढूंढ लिया। इतने में शत्रुघ्न को बोले बोले तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू। बोले देखो मैं चारों बहू में भाइयों में सबसे छोटा, मैंने देखा ये चारों में जो सबसे छोटी होगी ना वो मेरी होगी, इसलिए जो सबसे जो छोटी थी मैंने बोल दिया ये मेरी बहू। बोले ये बात। बोले हाँ। लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला ये तेरी बहू। बोली सीधी सी बात, तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो बच गई वो मेरी बहू। फिर खूब हंसी दिल की वहां पर हुई, फिर वो छह महीना तक बरात ही वहां पर रुकी, उसको बाद में फिर तक ये अयोध्या आते हैं। श्री कैकेयी ने जब उसने मुंह दिखाई में, जब उन्होंने सीता जी को मुंह दिखाई में पूरा उन्होंने कनक भवन को रूप दे दिया। अभी दशरथ महाराज एक दिन सीसा में अपना रूप देख रहे थे। देखो जब दशरथ महाराज ने देखा उनका दो चार जो केस है जो बाल है पका हुआ है, दशरथ महाराज ने सोचा और हमें घर में नहीं रहनी चाहिए, क्यों बाल पकना शुरू हो गया। कल हम बता रहे थे ना भगवान कपिल देव अपना मां को कहते हैं, जब पहले बाल पक गया ना ये फास्ट वार्निंग, ये पहला वार्निंग, भगवान के भजन के लिए निकल जाओ, हैं भगवान के भजन के लिए निकल जाओ। इसलिए हम सबर बताए ना एका बन बा बन चौ बन, मतलब 50 साल के बाद में घर में मत रहो, वृंदावन जाओ भजन करने के लिए। इसलिए वे बन 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 सब जाता है, हैं? अगर बन में नहीं जा सकते तो कम से कम अपना घर में तो माला जप करो, गीता रामायण भागवत तो कम से कम अपना घर में पढ़ो। इसलिए दशरथ आप लोग तो रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज ने दो तीन बाल को पका हुआ देखा बोले तो और घर में नहीं रहनी चाहिए, जिसके लिए प्रभु ने ये मानव शरीर दिया है 84 लाख जन्म के बाद में भजन करने के लिए जानी चाहिए। दशरथ महाराज भगवान राम को बुलाए, बोले बेटा राम मैं चाहता हूँ हम पति पत्नी बाल प्रस्थ में चले जाए, ये जीवन के मुक्ति मार्ग को हम देख ले, इसलिए हम चाहते हैं तुम लोग राज सिंहासन पर बैठाए। जब बैठाने जा रहे थे इतने में कैकेयी ने पास मंत्रा ने कैकेयी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, भ्रष्ट करके बोले दो वर मांगो, पहला वर में तेरा बेटा राजा बनेगा राम,
14 साल के लिए वनवास जाएगा। जब भगवान वनवास गए इतने में रावण ने आकर के माता सीता को उठा करके ले गया। ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं? मैया यशोदा कृष्ण को गोद में थपथपी लगाकर सुना रहे। जब मैया ने बोला रावण ने सीता को उठा करके ले गया, कृष्ण कौन है? वही रावण है ना। इतने में कृष्ण मैया की गोद में सो रहा, कृष्ण तो क्रोधित होकर के गोद से छलांग लगा दी, बोले भैया लक्ष्मण लक्ष्मण कहां पर तुम, जल्दी जल्दी धनुष लाओ, ये दुष्ट रावण कैसे सीता को हरण करके ले जाएगा। मैया यशोदा सोचा, बोले भैया ये किसका किसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, उनको तो पता नहीं, वही रामी अभी ये कृष्ण बन करके आए हुए। ऐसे ही मैया यशोदा कृष्ण को अपना गोद में थपथपी लगा करके प्रभु राम की कथा सुनाया करते थे। सियावर राम चंद्र की जय, जय श्री राम। राम लखन सीता बैठ जा, तीनों बैठ जा, बैठ। देखो कल भागवत में छठा दिन है, कोई इसलिए कल छठा दिन है। कल भागवत में सबसे बड़ा उत्सव हम मनाएंगे जिसका नाम श्री गिरिराज महोत्सव है। गिरिराज अर्जुन बहन होती है, इसलिए जो गिरिराज जो उत्सव है कृष्ण स्वयं बताए, अगर ये गिरिराज की अन्नकूट में एक अन्न का दाना कोई अन्नकूट को सेवा में लगा दे, गिरिराज की किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी। इसलिए कल हम लोग यहाँ अन्नकूट महोत्सव करेंगे, इसलिए आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ गिरिराज के लिए लेकर के आना, फल हो मिठाई हो, अगर शुद्ध रूप में अगर पूरी हलवा कोई बना सकते हो शुद्ध रूप में, नहीं तो कोई शाही पनीर मटर जो आप अच्छा बनाते हो, और वो भोग लाइट करके फिर आप लोगों को ये प्रसाद मिलेगा, आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। इसलिए आप सभी कोई खाली हाथ से नहीं आना, कुछ ना कुछ कोई एक फल भी हो क्यों नहीं हो, मिठाई जो कुछ हो कुछ ना कुछ लेकर के आना, क्योंकि कृष्ण स्वयं ये बात को बांके बिहारी बोले, एक अन्न का दाना अगर अन्नकूट में लगाओ किसी जीवन में अन्न वस्त्र का कभी घर में अभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कल कुछ ना कुछ लेकर के आना, और बड़े धूमधाम से कल श्री अन्नकूट महोत्सव मनाएंगे। आज तक आप लोगों ने सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन करके आए हो, कल कौन सा रंग की पहन कर आओगे? कल सबके सब नीला रंग से साड़ी पहन कर आओ, और जो परसों है ना, जो परसों हिस्सा बता दी है, परसों वो कथा सवेरे होगी, कथा सवेरे परसों कथा होगी, और उसी दिन भगवान कृष्ण का द्वारकाधीश का शादी है, और शादी में जैसे चमक दमक कपड़ा पहन के जाते है ना, एकदम लाल लाल रंग के परसों, देखो भगवान की शादी है ना, पहन करके आना, उसी दिन भगवान की शादी होगी, और उसी दिन हम होली खेलेंगे, आज गिरज में होली है रसिया, और उसके बाद में आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगा परसों। इसलिए कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है, और गिरिराज गोवर्धन की इतने महिमा, गिरिराज कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए, हाथ में कौन कौन लगाए, आप लोग गिरिराज में देखे होंगे कि गिरिराज का पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ आप देखे होंगे, पता है ये पत्थर के ऊपर पत्थर क्यों रखते हैं? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए आप पत्थर के ऊपर में जितना पत्थर रख लो ना ठाकुर उतना मंजिली मकान दे देते हैं। आप लोग गए ना गिरिराज में देखना, पेड़ में वहां पर पेड़ में रस्सी बांधे हुए है, सबके सब देखना पेड़ बांध करके आती, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो बेटा का शादी नहीं होता है, कहते अगर मनोजर तो गिरिराज उसको पूरी कर देते हैं, कहते जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं कृष्ण स्वयं उनको पीछे 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 ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, ये मेरे से क्या मांगेगा, इतने कष्ट करके क्यों परिक्रमा करता है, जिसके जितना बिजनेस नहीं चल रही है, जिसका कोई नौकरी चाकरी नहीं, इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज जी पूर्ण करते हैं, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा। क्यों गिरिराज की किसने पूजा की है? कृष्ण स्वयं।
बांके बिहारी स्वयं अपना हाथों से ये गिरिराज की पूजा कृष्ण स्वयं करते हैं, इसलिए ये गिरिराज की इतने महिमा है। बस ये गिरिराज की जय, जय श्री राम। हाँ देखो अभी थोड़ी देर में श्री राधा रानी ने अभी जन्म लेना है, राधा रानी अभी आएगी, लेकिन इसको पहले हमको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी को सुन करके याद रख लेना, अब ये स्टोरी सुनाने के बाद ना मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ ये कथा को किसने सुनी है, ठीक है? अभी ध्यान लगा करके कथा को सुनो, और जो बोल देगा ना ये कथा को मैं उसको बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है? अभी ध्यान लगा करके सुनो, ये जो कथा हम लोग कितना दिन सुनेंगे, 7 दिन सुनेंगे। इसलिए कथा 7 दिन सुनने का बाद नियम है कुछ ले करके जाओ, ऐसे नहीं कथा समाप्त और हम भी समाप्त, पल्लू झाड़ करके ऐसे गए, नहीं, कुछ ना कुछ ले करके जानी चाहिए। ये जो कथा अभी मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ ये भागवत का समझो ये पूरा सार है। अगर आज इतनी सी बात को अगर आप समझ लोगे तो समझना आपको 7 दिन कथा सुनने का पूरी फल मिल जाएगी। इसलिए अभी ध्यान लगा कर सुनो ये पूरी कथा की मैं सार सुना रहा हूँ। तो कोई एक राजा था, कहते राजा के 4 रानियां थी, कितने रानियां थी, कितने सुन रहे ना, 4 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को ला ला कर देता था और खुश रखता था। राजा की जो दूसरे नंबर की रानी थी, कहती है 4 रानियों में वो सबसे देखने में सुंदर थी, इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था वो रानी को सुंदर कपड़ा लता गहना पहना करके उस रथ के ऊपर बैठा लेता था और ये दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने प्यारी है। राजा की जो 3 नंबर की रानी थी वो बड़ी बात को बना बना करके मीठी मीठी बात बोलती थी, इसलिए राजा जब अपना महल में आता था ये 3 नंबर रानी को पास में बैठ करके वो जो मीठी मीठी बात बोलती थी उसको सुन करके बड़ा खुश होता था। लेकिन ये अपना मन की बात है ना, वो केवल 3 नंबर रानी को अपना मन की बात बोलता था और किसी को नहीं बोलता था। राजा की जो 14 नंबर की रानी है तो बड़ी प्यारी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाए हैं तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रहता, कभी भी उसको पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है नहीं, पूरा जीवन में सबसे ज्यादा उसको नेगलेक्ट करके रखा। अभी राजा का मरने का समय आया, सोचा मेरे 4 रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके पूछता हूँ कौन कहाँ तक जाएगा। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, अब लोग बताओ तो बड़ी रानी कौन थी, बोलो इतना जल्दी भूल गए, बड़ी रानी कौन थी, अरे जोर से बोलो बड़ी रानी कौन थी, कोई कथा नहीं सुन रहे हो, कोई कथा नहीं सुन रहे हो, बड़ी रानी कौन थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था, उससे पूछा रानी साथ में चलोगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाले वही नहीं थी जिसको ज्यादा प्रेम करता था, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलने वाली, बोले क्यों, तेरे को जो इतना मैंने प्रेम की, बोले तेरी कर्तव्य था, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य तेरी प्रति नहीं, राजा को तो बड़ा दुख हुआ। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी, सबसे सुंदरी जिसको राजा दुनिया को दिखाया करता था, बोले तू क्या करोगी, चलोगी, बोले चलूंगी, मैं अगर देख रही हूँ तू तो मरोगे और मैं दूसरे से शादी करूंगी, बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे, बोले देख मैं कितनी सुंदरी, बोले है तो तू बड़ी सुंदरी, बोले इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं जहां जाऊंगी वो मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो वहां शादी कर लूंगी, राजा को और दुख मिला। अभी तीसरी नंबर से पूछा, तीसरी नंबर कौन थी, जिसका मीठी मीठी जिसको मीठा मीठा बात सुनकर खुश होता था और मन की बात जिसको बोलता था, बोले तू कुछ तू क्या करोगी, चलोगी, ये थोड़ी सी अच्छी निकली, बोले चलूंगी लेकिन ये तेरे साथ में दरवाजा तक चलूंगी, बोले दरवाजा तक आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना 4 कदम तो बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चल सकती, बोले तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजे तक चलना कोई चलना बोलते हैं। अभी 14 नंबर से पूछा, 14 नंबर कौन थी,
राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखा था, ये बेकार, ये किसी काम नहीं। लेकिन राजा जब उससे पूछा साथ में चलोगी, वही राजी हुई। बोले राजा तेरे को मैं दीन से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये दुख की बात है तुमने एक बार मेरे को झांक करके नहीं देखा, पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी ताबूर तेल की है कि नहीं, लेकिन मैं तेरे को बहुत प्रेम करती हूँ, साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए जिंदगी दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, आज जिसके लिए कुछ दिया नहीं वही जाने के लिए तैयारी। अब इसका मतलब तो आप लोग समझो और कोशिश करना इसका तात्पर्य को अपना जीवन में धारण करने के लिए समझो। ये पूरी भागवत का ये सार है, हैं? बड़ी रानी मतलब है अभी जिसको हम लोग राजा कौन है, हम ही है जीवन में सबसे जिसको ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। वो जो चीजें मांगती है ना, भले ही चोरी बदमाशी जो कुछ क्यों करना नहीं पड़े, हम उसको इच्छा को पूरी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय उसे पूछेंगे तो क्या साथ में चलोगी, लेकिन वो एक कदम भी हमारी साथ में चलने वाले नहीं। ये कौन है, किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको प्रेम करते हो, हाथ उठा तो कौन बोलेगा किसको ज्यादा प्रेम करते हो, किसको माया है ना, हाँ ये माया भी एक है जिसको प्रेम करती, बात सही है। लेकिन और जिसको प्रेम करते हैं ज्यादा, लेकिन अंतिम समय में ये हमारे साथ नहीं जाएगी, जो कौन है, ये अपना शरीर और अपनी आप को सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं, हम अपनी आप को ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर जिस समय जो चीज मांग करती है, कहती है ऐसे साड़ी पहनना चाहती हूँ, बोले चलो साड़ी पहना, बोले गोलगप्पे खाना चाहती हूँ, बोले खिलाएंगे, बोले ब्यूटी पार्लर में सजना चाहती हूँ, बोले सजाएंगे, बोले आज पिज्जा पास्ता होटल में खाना चाहते, बोले खिला करके आए, बोले ऐसे कपड़ा पहनना चाहते, चलो खिलाएंगे, बोले च्यवनप्राश खाना चाहते, बोले खिलाएंगे, बोले जीप जाना चाहते, चलो तेरे को हम जीप ले जाएंगे। देखना इस शरीर के लिए हम क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ये शरीर को हमने पूछा साथ में चलोगी, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा खड़ा रह जाएगा। जिस शरीर को हमने इतने जतन की, जब ये परमात्मा शरीर से चले जाए, ये शरीर यहाँ के था वही रह जाती है, ये शरीर हमारा साथ नहीं देते। अभी दूसरे नंबर कौन थी सबसे जो सुंदरी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, उससे जब पूछा उसने क्या बोला, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रही हूँ तुम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले सबसे सुंदरी कौन है, कहते ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, ये सबसे सुंदरी है, क्योंकि पैसा जब हमारा कुछ होगा ही है, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी बनाएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। अभी उन्होंने पूछा दूसरी पत्नी पैसा को साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रही हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है, बच्चे लोग पहले से ही उनका नजर रहता है, पिताजी का कितने प्रॉपर्टी कितने दुकान मकान कहाँ पर है। मेरे गांव में एक सबसे जो बड़ा धनी था ना, वो व्यक्ति जब मरा उसका 3 बच्चे थे, लेकिन उसके पिताजी ने इसको थोड़ा कम ज्यादा दे दिया था। जब उसको पिताजी जब शरीर छोड़े, तीनों भाई लड़ाई कर रहे थे, बोले पहले ये प्रॉपर्टी बट जाए मेरे पिताजी को स्मशान मिल जाए, उसको पहले जो ले जाएगा ना, जिसको कम पैसा दिया था वो ठंडा लगे खड़ा था, कोई हाथ लगेगा तो मारूंगा सीधा। इसलिए ये शरीर छूटते ही क्या होगा, ये धन झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए वो कहती है मैं तो दूसरे से शादी करूंगी, तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। अगर किसको बोलो ना भैया थोड़ा हरिनाम करो भजन करो, बोले समय कहाँ है, बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा नहीं ना। देखो संत लोगों का कहना है बच्चे के लिए पैसा मत कमा करके रखो, बच्चा होना होगा तो कमा ही लेगा, और जिसका पिता जितने पैसा बच्चों के लिए रखा वो बच्चा उतना ही बिगड़ा, उतना शराबी जुआरी बना। इसलिए ऐसे धन कमाओ जो धन तुम्हारी साथ में जाएगी, भगवान के नाम धन कमाओ जो इसी जीवन में भी आएगी और अगले जीवन में मिला। कहती है दीन दीन बढ़त स्वभाव, जो दिन दिन बढ़ती रहेगी जो धन,
भगवान की भजन के लिए हमें टाइम नहीं कहते है ही नहीं। हाँ देखो अभी वो तो गई दूसरी नंबर, अभी तीसरी नंबर आई है। तीसरी नंबर कौन थी? राजा जिसकी मीठी मीठी बात सुनता था, मन की बात जिसको बोलता था। कहती ये कौन है? बोले ये हमारे परिवार वाले हैं, जिनको साथ में बैठ करके दुख सुख बोलते हैं, शेयर करते हैं। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? जिसको अग्नि की साखी करके सात बार फेरा लगाया था, बोले साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले अगर ज्यादा बोलोगे ना, चार कदम तक आगे बढ़ोगी लेकिन तेरे साथ नहीं जा सकती। बोले तू भी किसी काम की नहीं, बेकार है। अभी आई चौथी नंबर, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया था, ये बेकार किसी काम का नहीं। लेकिन जब उसे पूछा तू चलोगी, बस वही राजी होती है। बोले तेरे को मैं सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात है तुमने एक बार भी मेरे प्रति झांक करके नहीं देखा। भले ही तुमने जो कुछ किया मेरे लिए किया, लेकिन मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी दुख में दुखी बनूंगी। कहते ये चौथी नंबर रानी कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करके रखे? कहते ये भगवान की भक्ति और भगवान के नाम है। पर किसको बोलो एक माला करो? बोले समय कहाँ है? टीवी देखने के लिए समय, गप्पे मारने के लिए समय, न्यूज पेपर पढ़ने के लिए समय। लेकिन जब किसको बोले एक माला करो, बोले समय कहाँ है? लेकिन भले ही जिंदगी में हम जो कुछ करें करें, लेकिन अंतिम समय जब आएगा, चार व्यक्ति जब कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल सत्य है, सब कुछ होता है, यही बोलते है ना। बेटा जितने प्रभु का नाम लिए हो वही तेरे से आते जा रहे हैं, और तुमने जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही। इसलिए विदा कहती है पायो जी मैंने राम पायो, पायो जी मैंने राम जन्म जन्म की पूंजी पाई, चोर नहीं लगे लूटे नहीं जागे, दीन दीन बढ़त जो धन केवल बढ़ेगी, जो धन कभी घटेगी नहीं। ये ऐसे एक धन बैठो, इसलिए ये ऐसे के धन नहीं कभी घटने वाली ये धन नहीं। इसलिए मैं रोज आपको एक माला कराता ना, इसलिए कराता हूँ, यही धन ही काम है, यही धन ही हमारी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बताने एक माला जपाने के लिए। देखो मेरे गुरु जी कहते थे मानो आज हमारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, आज हम मालिक हैं, अभी हमारी शरीर छूट गया, बताओ तो साथ में कितना धन जाएगा? बताओ जाएगी। मानो दूसरी जीवन में नेक्स्ट घर में जन्म हुई, लेकिन इतने गरीबी घर में जन्म हुआ, अभी हमें रोटी भी नहीं मिल रहा, लेकिन हमें पता है ये मेरी बीबी, ये मेरे बच्चे, ये दुकान वकान मिला ले। अब आकर के अपना बच्चों को बोलो बेटा पहले जीवन में मेरा पिता था, ये दुकान मकान फैक्ट्री मैंने बनाया, अभी मैं इतने गरीबी घर में जन्म हो गया, मेरे को रोटी नहीं मिल रहा है, बेटा हमें थोड़ा रोटी कुछ पैसा दो। बताओ बेटा देगा कि नहीं? बताओ बेटा आपको देगा कि नहीं? बीबी देगी कि नहीं? हमारे सीन पढ़ने आई हुई। इसलिए मीरा कहती आश्चर्य की बात, तुमने कमाया, तुम्हारा सब कुछ केवल चोला ही तो बदला और नहीं, एक पैसा भी आज छू नहीं सकती। लेकिन मीरा कहती ऐसे कौन सा धन है? अगर इसी जीवन में अगर पत्नी कमाएगी तो पति नहीं ले सकता है,
पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकते हैं, बच्चे कमाएगा तो पिता माता नहीं ले सकते हैं, पिता माता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकते हैं। जो कमाएगा वही केवल मालिक बनेगी और अगले जीवन में ब्याज समेत तुमको मिलेगी, वो तो मिलेगा ही, तेरे को ब्याज समेत मिलेगा। तो कौन सा धन है? इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लेवे, लौटे नहीं जावे, दिन दिन भरत सबाए। इसलिए मैं आपको रोज रोज एक माला करता हूँ। पहले मैंने बताया ना, महाप्रभु को जब निमंत्रण दिए बोले सबके घर खाना नहीं खाऊंगा, जो लखपति उसके घर में खाना खाऊंगा। लखपति माने 1,00,000 स्वर्ण मोहर, माने 5.5 साल पहले। बोले प्रभु हमको लखपति बन सकते, फिर हमारे घर में खाओगे नहीं? महाप्रभु ने क्या बताया, असली लखपति कौन है? जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। देखना हमारे संप्रदाय में, हम लोग देख लेना, देखो ये साधुओं को देखो, ये अंग्रेजी लोगों को देखो, गले में माला है हमारे संप्रदाय को। लड़कियों को देखो, कभी भी हमारे संप्रदाय के वो गृहस्थ हो त्यागी हो, कभी भी ये माला कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जो एक एक श्वास जा रहा है, करोड़ रुपया से भी एक श्वास को वापस नहीं ला सकते हो। अरब खरबपति रिलायंस कंपनी वाला भी मरने वाले समझो, डॉक्टर ने कह दिया अब ये मरने वाले, उनको 4 कोहिनूर हीरा दूंगा, 2 श्वास वापस लाओ। दे सकता है? दे नहीं सकता है। ये श्वास कितने कीमत मानव शरीर की, इसका सार्थकता है जब हमारी श्वास श्वास से प्रभु का नाम है, तभी ये जीवन की सार्थकता है। इसलिए हमारे संप्रदाय के संत कभी भी माला झोली नहीं छोड़ते, दुनिया कहीं भूल जाए लेकिन माला झोली कभी भूलते नहीं। क्यों? यही काम में आने वाला है यही। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, सवेरे उठ करके क्या करना, भगवान की माला जप करो। मैंने पिछली बार को भी भक्त लोगों को माला मैंने दी, भक्त लोगों ने मैंने माला दी थी, तो भक्त लोगों ने लिए हैं। अगर इस बार अगर किसी की इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे, हम तो पास में रुके हैं। अगर सवेरे आप लोग 8 बजे 9 बजे आओगे, देखो हम 2 तरह की माला देते हैं। अगर जो संपूर्ण वेजिटेरियन बनते हैं, यहाँ तक वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, उनके गले में तुलसी की कटी देते हैं, फिर उनको तुलसी माला देते हैं। अब जो बोलेगा हम इतना जल्दी छोड़ेंगे नहीं, हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर हम उनको नीम की माला देते हैं। बोले ये माला में प्रैक्टिस करते रहो, जितने भगवान के नाम लोगे अपने आप सब पाप खत्म हो जाती है। फिर जब संपूर्ण प्याज लहसुन मांस मछली छोड़ देते हैं, फिर हम उनको तुलसी माला जप करने देते हैं। जिनकी इच्छा होगी हम जब करेंगे। कल सवेरे आप लोग 8-9 बजे आना, हम उनको घर में भी क्लास देता हूँ। आज जो मैंने क्लास दिया था दर्ज गर्द एग्जिस्ट, क्या भगवान है क्या नहीं, कल जो क्लास आपको घर में वो आप आए। अभी साइंस कहते हैं ना, अरे ये शरीर आत्मा परमात्मा कुछ नहीं देखा, लेकिन इस साइंटिफिकल रूप में ये चीज हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं आत्मा नाम का कोई एक चीज है तभी ये शरीर चल रही है। जिनकी इच्छा होगी आप कल तक सवेरे आओगे माला लेकर के जा, ठीक है? अभी श्री राधा रानी बनी है। हाँ, देखो अभी श्री राधा रानी आ रही है। बोले श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले श्री वृषभानंद महाराज की, घर में एक बेटा है, महाराज की एक बेटा, घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए महाराज जी सोच रहे घर में लाली हो। क्यों? घर में अगर लड़की जन्म लेती है ना, सारा दुनिया कहते घर में माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी आई है। एक दिन विश्वनाथ महाराज ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के लिए गए, देखा सात दल कमल पुष्प गोबर में एक सुंदरी बालिका किनकारी मारते हुए बहते बहते आ रही है। वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और बेटी को उन्होंने अपना गोद उठा ली। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, माता को दिया बेटी का, माता तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अभी से नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए हैं, लेकिन जरूर उनकी पूर्ण शक्ति लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा जरूर कहीं आ गई, कहा राधा रानी आई है। अभी उन्होंने ढूंढते ढूंढते
ब्रज की गली गलियों में ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते जब श्री रावल में आए, वृषभानु महाराज से पूछे घर में कोई संतान भाई, उन्होंने अपना बेटे को दिखाया मधुमंगल को, बोले अरे कोई बेटी भाई की नहीं, चुप हो गए, बोले बताओ ना, बोले हाँ एक बेटी भी भाई। जब श्री विश्वभानु महाराज बेटी को लाए नारद तो भजन गए, अरे यही तो भगवान की लाजनी शक्ति पराशक्ति स्वरूप शक्ति है, इन्हीं को ही तो मैं ब्रज में ढूंढ रहा था। अभी उनकी इच्छा हुई राधा जी की थोड़ा मैं स्तुति करूं, उनने बहाना बनाए, उनको पिता माता को बोले थोड़ी स्वस्थ बांचने के लिए कुछ फूल ले आओ। जब वो अंदर में गए ना, इतने में श्री नारद जी राधा रानी को बड़ी सुंदर स्तुति करती है, बोले मुनिन्द्र बिन्द वंदिते त्रियोग सुख हारिणी प्रसन्न भक्त मंगले निकुंज भूमि लासी प्रसेंद्र सुन संगते प्रसेंद्र सुन संगते दागरी सजी हवा कृपा अशोक वृक्षवल्लरी विधानमंद से प्रवाद बाल पल्लव प्रवाद राधिकुमने राधा रानी जब से जन्म हुई ना, राधा रानी तब से आंख बंद कर रखी थी। क्यों? बोले सबसे पहले मेरे प्रिय तो मैं कृष्ण को देखूंगी, फिर दुनिया को मैं देखूंगी। बाबा को निमंत्रण दिए, नंद बाबा अपना लाला मैया जस्ता कन्या को लेकर के आए। राधा रानी जिसे पलंग के ऊपर में लेट हुई थी ना, और श्री उन्होंने कन्या को भी लेटा दी, इतने में कृष्ण अपना हाथ और श्री राधा रानी को ऊपर रखते ही फिर राधा रानी आंख खोलती, फिर तो सामने उन्होंने श्री कृष्ण को दर्शन की, फिर तो प्रसन्न हो गए श्री वृषभानु महाराज, जितने धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, फिर उन्होंने बड़ी धूमधाम से उत्सव मना कर दिया। पांच मिनट एक माला जप करके फिर प्रसाद लेकर जाना, ठीक है? सबके सब आंख बंद कर दो, कहीं बोल भैया कुछ चुप चुप करके माला को दे दो सबको मेरे साथ में, और पांच मिनट बैठो, पांच मिनट बाद में राधा रानी के भजन कीर्तन लोगे, पांच मिनट करके प्रसाद लेकर जाना। फटाफट दे दो, फटाफट दो, फटाफट दो, दो तीन व्यक्ति बाहर हो जब जब तक खड़ी से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे Yeah.
स्पर्श नहीं करना, ये गंदा अंगुल और बीच वाले अंगुल को ऊपर रखना, रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करके एक मोती सरकेगा, दो बार मोती दो मोती सरकेगा, ठीक है। आप कर लो सबके सब बोलना, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा ना उसको पाप सब ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर, जो हरि नाम नहीं करेगा उसका सर पर बैठ जाएगा। इसलिए सबके सब बोलना, क्यों करी करी हम लोग 1000 लोग बैठे हुए, अगर एक माला करोगे ना सबका नाम सभी को काम में जाएगा, समझो हमारे 1000 नाम माला करने एक माला है, मतलब करी करी आपको 10 लाख नाम, आज आपका बैंक पर 10 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट हो जाएगा, और जब जाओगे ना ऊपर में देखोगे काफी बोलोगे वो सारे धन वहीं पर मिलेगा आपको। इसलिए आज बंद करके सब बैठ जाओ और मेरे साथ में जाओ, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण पूरी हो गई पूरी अंतर नहीं हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माला पूरी हो गई है कल माला सबके सब वापस देना पाप लगेगा लेने पर कल जो लेने का है कल अगर आओगे हमारे इनके प्रभु जी के घर में हम उसके मंत्र जप करके आपको दे दूंगा देखो नियम होता है माला अपने आप जप करने पर तो कुछ फल मिलेगा लेकिन जब किसी भक्तों का हाथों से लेके उसका विशेष फल है उदाहरण दिया देखो ध्यान देकर सुना उदाहरण दिया जैसे कि तो गोली है अगर वो गोली को अगर ऐसा फेंक करके मारोगे ना खुद तो चोट लगेगी लेकिन वही गोली को अगर बंदूक में भर करके मारोगे तो पूरा इस पार से उस पार हो जाएगी तो उसी तरह अगर वही से हम नाम जप करेंगे तो कुछ मिलेगा लेकिन भक्तों को हाथ से लेंगे बल्कि इस पार से उस पार मतलब गोलोक वृंदावन ठाकुर जी के पास में पहुंचा देता है इसलिए नियम है ये माला किसी भक्तों का हाथ से ही लेनी चाहिए तो उसका विशेष फल मिलता है सब माला वापस दे दो कोई लेना नहीं पाप लगेगा माला सबके सब खड़े हो जाओ अभी राधा रानी अभी बधाई गाएंगे और राधा रानी की बधाई में जो नाचते है ना राधा रानी कौन है ये सर्वलक्ष्मी वही राधा रानी साख्या लक्ष्मी है अब इनकी बधाई में जो नाचेगा ना फिर मैया लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी घर में हाँ घर में खूब लक्ष्मी आएगी इसलिए सबके साथ राधा जी को आगे अब देखो भाई अगर राधा जी की चरण छूना चाहते हो राधा रानी की चरण छूना चाहते हो अब आसानी चरण आप लोग छू सकते हो भोले वर्षण हरि की भोले राधा रानी की जय जय श्री राधे भोले राधा रानी को भयो अवतार राधा रानी को भयो अवतार बधाई बाज रही
Yeah.